वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल lovely लवली स्टूडेंट्स हेलो हेलो अमर गुंजन ऋतिक नामबिलाय प्रियांशी क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट फड़ से मुझे येस या up भेज दीजिए ताकि आज के अमेजिंग सेशन को हम स्टार्ट कर सके प्रणाम प्रणाम अक्षत रौनक हाँ मुझे याद है रौनक आप मेरे बहुत पुराने और बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं आई स्टिल रिमेंबर एब्सोल्युटली नीट एस्पिरेंट यकीन 2.0 हेलो 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 चिन्नू हेलो अक्षत रौनक ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्लास स्टार्ट करें चलिए थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स जो यहां पर नए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल है आपकी गुरुमा और नीटू सीरीज जिसके अंदर हम वन शॉर्ट चैप्टर को बेसिक से कवर कर रहे हैं उसमें आज हम बॉटनी के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे आई एम सॉरी किसी कारण से मेरी हेल्थ के कारण से मैं आप लोगों की ये क्लास जो परसों थर्सडे होने वाली थी नहीं ले पाई पर आपके इतने सारे मैसेजेस इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि देखिए हेयर आई एम टू टेक योर चैप्टर वंस अगेन ऑल राइट हेलो हलो रमन सिटी गेमर्स गौसिया शिवानी रजनीश एवरीबडी स्टूडेंट्स अभी तक जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि बॉटनी के अंदर लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी और एनाटेमी ये पांच चैप्टर्स का वन शॉट ऑलरेडी इसी चैनल पर अवेलेबल है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज अपना बैकलॉग क्लियर कर लेना उन्हें अच्छे से देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अब आज तो ये हंसते खेलते चैप्टर हो जाएगा ये तो ऐसा चैप्टर होगा स्टूडेंट्स जो आप लोगों को यूं ही हलवा लगता होगा पर मैं कोशिश करूंगी कि एनसीआर की कुछ ऐसी छिपी हुई लाइन कुछ ऐसे गोते लगवाऊं आपको कुछ ऐसे मोती निकाल कर दूं जो आप भी बोलो कि हाँ ये तो हमने नहीं देखा और ये देखो इस पे से पीवाई की वाया हुआ है right, चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आदर्श आपकी पहली ऑनलाइन क्लास है आई होप आपको इस क्लास में मजे आएंगे चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का करते हैं श्री गणेश नाउ माई डियर स्टूडेंट्स हम एनसीआर की एक एक शब्द एक एक लाइन कवर करेंगे एक एक डायग्राम कवर करेंगे एक एक कंसेप्ट कवर करेंगे पर उसके आसपास भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी जहां से नीट में कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं सो so, कोर्स इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में बट कोशिश करिएगा कि आप इसे मेरे साथ साथ बना सकें जितना बनाए सबसे पहले सेल कोशिका जीवन की इकाई हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स की कम से कम एक सेल की बॉडी बनी होनी चाहिए तभी हम उसे लिविंग कह सकते हैं ये बात हमने द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ी थी कि सेल जो है ये हमारी आधारभूत स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है एनसीआर टी इसे कैसे कहती है आइए हम इसको समझते हैं सो so, सबसे पहले ये पी वाई क्यू है स्टूडेंट्स आया हुआ क्वेश्चन है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अपल्स ये पीवा हमारे अंदर हमारी बॉडी में ढेर सारे cells हैं। हम हैं मल्टीसेल्यूलर पर जल्दी से मुझे चैटबॉक्स में लिखकर भेजो कौन कौन से किंगडम है जिसमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं कम ऑन एवरीबडी यूनिसेल्यूलर हम जानते हैं स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा में प्रो कैरियॉर्स यानी यूनिसेलुलर है और किंगडम प्रोटेस्टा में यू कैरियॉर्स आते हैं ये दो किंगडम में बाकी फंजाए प्लांटी एनिमेलिया में मल्टी हैं है जिसमें से फंगस में यीस्ट अभी भी यूनिसेलुलर है बहुत बढ़िया बबलू ने सही आंसर दिया है नामबलाई ने सही आंसर दिया है बिल्कुल अंजलि अभिराज प्लग वेरी गुड नीतू किशन रौनक पंचाल बहुत बढ़िया रीना जीवेश रमन एवरीबडी बहुत बढ़िया हाँ यार आज नारा छूट गया अब तो मैं वही सोच रही थी क्या है कुछ तो कमी लग रही है बिना आशीर्वाद बिना ब्लेसिंग के कैसे क्लास शुरू करें सो so बोलो मेरे साथ एक बार सब बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो चलिए अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझो एक सेल की बॉडी है पर फिर भी वो अपने आप जिंदा रह सकता है सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन डाइजेशन रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन सब कुछ कर सकता है सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम जो है स्टूडेंट्स, ये दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भले ही एक सेल की बॉडी है एंड दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस एबल टू परफॉर्म ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइफ यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं जिंदा रहने के लिए कम से कम एक सेल की बॉडी होनी चाहिए अगर एक सेल से कम की बॉडी है तो हम उसे लिविंग नहीं मान सकते जैसे वायरस वायरस में डीएनए या आरएनए है प्रोटीन है पर सेल नहीं बना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ इसीलिए वायरस को लिविंग नहीं मानते लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं इतना क्लियर हो गया चलो सो एनी लिखिएगा एनी

पूरी एनसीआरटी पढ़ाती हूँ एक एक लाइन पढ़ाती हूं और आपको बेसिक से पढ़ाती हूं ये आप सब जानते हो इसके अंदर ठीक है सेल साइकिल सब अच्छे से पढ़ाऊंगी डोंट वरी सेल साइकिल नेक्स्ट वीक करेंगे अपन ऑल राइट चलिए नाउ यानी हम ये बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है हर लाइन पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन करेक्ट दे देंगे तो एक एक शब्द हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ठीक है रीना कह रही है कि मैम बहुत डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं कल बीते चलो अभी बात करते हैं रुको पहले इतना देख लो आप फिर थोड़ी सी बात करेंगे अपन अब स्टूडेंट्स सेल थ्योरी दी थी कि पहले थोड़ी सी खोज की बात करते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी स्टूडेंट सेल की खोज मालूम है कि ने की थी सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने पहला सेल देखा था एक्चुअली इन्होंने पता है क्या देखा था इन्होंने कॉर्क यानी बार्क समझ लो छाल Uh, एक पेड़ है सिंचोना पेड़ उसकी छाल को ये स्टडी कर रहे थे उसमें ने सेल्स इनको कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे वो कंपार्टमेंट्स ना ऐसे थे जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो तो उन्होंने यहाँ से कंपार्टमेंट के लिए इनकी भाषा में सेल्यूला वर्ड यूज करते हैं इन्होंने सेल्यूला लिख दिया ठीक है बाद में उसे रूपांतरित करके सेल नाम दिया गया यानी जो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट है डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सेल या टर्म सेल वो दोनों क्रेडिट जाते हैं रॉबर्ट हुक को रॉबर्ट ब्राउन नहीं रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस की खोज करेंगे रॉबर्ट हुक और इसीलिए इन्हें जनक कहा जाता है सेल की स्टडी का यानी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी फादर ऑफ साइटोलॉजी पर इन्होंने जो सेल देखा था ना स्टूडेंट्स वो बार्क का सेल था यानी वो डेड सेल था यानी सिर्फ सेल वॉल इन्हें दिख रही थी इसीलिए इन्हें श्रेय जाता है सेल सेल वॉल वॉल की खोज का भी डिस्कवरी यानी इन्होंने जो देखा था स्टूडेंट्स वो एक डेड सेल था तो अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट डेड सेल यही आंसर होंगे अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट सेल तो भी ये आंसर होगा लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने देखा पहली बार तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लिविंग सेल उन्होंने देखा जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया माइक्रोस्कोप्स बनाए जिनका नाम है एंटन वॉन ल्यूविन होक सो फर्स्ट लिविंग सेल देखा ए वी ल्यू विन ने बहुत सारे सेल्स इन्होंने देखे थे माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने बैक्टीरिया देखा इन्होंने आरबीसी देखा इन्होंने यीस्ट देखा डब्ल्यूबीसी देखा बहुत सारे देखे फिर अगला क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस की खोज कि उन्होंने की थी सो so, न्यूक्लियस की खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन कब करी अब ये अबी की लाइन है आज जितनी डेट्स डेट्स लिखवाऊंगी उन को अलग से एक रजिस्टर या पतली सी डायरी बना लो या अपने इसी रजिस्टर में पीछे का एक पेज बना लो जहां पे आप साइंटिस्ट का नाम और इयर्स लिख लेना इंपॉर्टेंट 1831 में एनसीआरटी में दिया हुआ है 1831, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इतना सबको क्लियर हो गया आगे बढ़ जाऊं हाँ बिल्कुल पांचाल कह रहा है एनसीआर ही सत्य है बाकी सब मोह माया है <laughs> बिल्कुल अभी तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए यही सत्य है चलिए अब इसके बाद में सेल थ्योरी किन्ों आज तो आप कहोगे मैम हमें तो पता ही है कि बॉडी में मिनिमम सेल होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बेसिक सेल होता है पर ये पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था ये पहली बार सेल थ्योरी जिन्होंने दी आइए उनकी बात करते हैं अपन सो आइए बात करते हैं सेल थ्योरी किन्न्हों दी नाउ सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली दी थी कैसे आओ समझते हैं पहले साइंटिस्ट का नाम है माल्थस श्लीडन क्या नाम है माल्थस श्लीडन श्लीडन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर श्वान अब इनमें से एक पेड़ों की स्टडी करते थे और एक जानवरों की यानी एक थे बोटानिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आओ आपको याद कराऊं कैसे याद करोगे श्वान का मतलब क्या होता है श्वान का मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता और कुत्ता एक जानवर है एनिमल यानी ये एनिमल की स्टडी करते थे यानी ये जूलॉजिस्ट थे हो जाएगा याद सबको तो श्वान, श्वान मतलब डॉग जूलॉजिस्ट भाई क्या क्या कर रही हूं मैं जूलॉजिस्ट So, श्वान श्वान मतलब डॉग डॉग यानी एनिमल ये या एनिमल की स्टडी करते थे यानी ये थे ज़ुलॉजिस्ट इतना क्लियर हो गया सबको निशा पांचाल आस्था आयुष सांकेत डोंट वरी मैं सारी ट्रिक्स कवर करूंगी ठीक है प्रणाम प्रणाम सनी अनोनिमस चलो अब इनमें से एक है इंग्लैंड के यानी ब्रिटिशर ब्रिटेन के और एक है जर्मनी के कैसे याद करोगे देखो ऐसे याद करो हॉलीवुड की मूवीज में अंग्रेज लोग कैप पहन के डंडा लेके कुत्ता घुमाने जाते हैं तो कुत्ता कुत्ता मतलब जानवर जानवर मतलब जुलॉजिस्ट और इंग्लैंड के लोग ये घुमाने जाते हैं हम पे जिनने रूल किया है सो इंग्लिश पीपल ही वॉज एन इंग्लिश राइट चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब सौम्या अभी तो अच्छा है ना अच्छे से लिख रही हूं मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं देखो आज तो खिचड़ी नहीं पका रही हूं ठीक है चलो अब <coughs> इन्होंने क्या कहा था <coughs> इन्होंने ये कहा था कि पेड़ों की बॉडी सेल्स की बनी है जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ये पूरी एनाटमी अपन पढ़ चुके हैं ठीक है सो ही सेट दैट प्लांट बॉडीज लिखो मेड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज विच फॉर्म टिश्यूज स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीन चार क्वेश्चन तक आ जाते हैं इस चैप्टर से इसीलिए एक लाइन हमें अच्छे से पढ़नी है ईजी है तो इसको हल्के में नहीं लेना है अपने को चलो अब इन्होंने क्या किया इन्होंने यही बात एनिमल्स के लिए बोली थी सो ही स्टडीड एनिमल सेल्स ही स्टडीड एनिमल सेल्स और इन्होंने यही बात बोली कि एनिमल की जो बॉडी है ही स्टडीड एनिमल्स ऐसा लिख देती हूँ कि एनिमल की बॉडी जो है वो भी सेल्स की बनी है इन्होंने एक बात और कही थी इन्होंने ये कहा था कि एनिमल का जो सेल है उसमें सबसे बाहर एक पतली सी कवरिंग मिलती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज का श्रेय भी इन्हें जाता है और इन्होंने कहा था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती सेल वॉल पेड़ों का यूनिक कैरेक्टर है भाई सोलॉजिस्ट हैं तो क्या हुआ पेड़ों की इतनी नॉलेज तो होगी साइंटिस्ट थे राइट सो so, इन्होंने थिन आउटर कवरिंग की बात की थी एनिमल सेल में जो प्लांट्स में भी होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन्होंने कहा था कि सेल वॉल जो है सेल वॉल दैट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल ये सारी बातें इन्होंने कही थी अगर आप एनसीआरटी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो अपने को क्या लगेगा कि यार सेल वॉल पेड़ों की बात ये तो जरूर श्लीडन जी ने की होगी क्योंकि वो बोटानिस्ट थे नहीं इतना क्लियर हो गया ठीक है राजीव आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया बस पढ़ाई में मजे आने चाहिए एक बार आपको पढ़ाई में मजे आएंगे तो सब बढ़िया होगा चलो हां जी आप सबको भी हैप्पी नवरात्र एंड हैप्पी रमजान चलिए नाउ इतना क्लियर हो गया सबको इन्होंने ये कब दी थी इन्होंने दी थी 1838 में और एक साल बाद 1839 में ये याद कराऊ कैसे याद करोगे पहले पेड़ आए थे कि जानवर पेड़ तो पहले पेड़ आए थे तो बोटानिस जी ने पहले दी थी बाद में जानवर आए हैं तो बाद में दी थी ठीक है चलो फटाफट खत्म करेंगे डोंट वरी लेकिन इस सीरीज में मैं बेसिक से पढ़ा रही हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चलो पी क्यू सारे सॉल्व करेंगे सारे थैंक यू प्रणाम गॉड ब्लेस यू नीरज ऑल राइट अब बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था और इससे सेल थ्योरी दे दी गई थी दोनों की बातों को कंबाइन कर दिया गया था अब एक बात समझो तब तक ये नहीं पता था कि नया सेल कैसे आता है आप कहोगे मैम इसमें क्या बात है डिवाइड करता है एक से दो दो से चार चार से आठ ये हम आज जानते हैं तब नहीं जानते थे एटीन की बात हो रही है तो तब तक नहीं पता था हाउ न्यू सेल कम्स ये बात हमें बताई थी रुडोल्फ वर्चाओ जी ने <coughs> अगेन एक ईयर आ गया स्टूडेंट्स 1855 में अगेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है हलवा क्वेश्चन एटीन फिफ्टी में आज साइंटिस्ट का नाम और जरूर एक साथ लिख लेना इन्होंने क्या कहा इन्होंने ये बोला था कि नया सेल पुराने सेल से ही बनता है अफकोर्स माइटोसिस डिवीजन से यानी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ई मतलब एग्जिस्टिंग सेल सेल्यूला मतलब सेल निस मतलब न्यू सेल तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल ये स्टेटमेंट हमें आना चाहिए इन्होंने कहा था ठीक है मोटिवेशनल सर्वर आयुष आस्था इशिता सेफ बबलू आरके इंटरमेंटेंट, अर्शिता चलिए बाद में अब इनकी थ्योरीज़ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स इसको इस थ्योरी के साथ कंबाइन कर दिया और इन पूरे को मिलाकर कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो आज सेल थ्योरी मानी जाती है उसमें तीनों की बातों को एक साथ कर दिया गया मैं दोबारा कहती हूं सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेडअप ऑफ सेल एंड देर प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा एंड ऑफकोर्स हाउ न्यू सेल्स अराइज इज इट वेरी वेरी क्लियर एब्सोल्यूटली एक बात हम सब दे दो साहब आगे बढ़ जाते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी नाउ अब स्टूडेंट सेल के साइज शेप की थोड़ी बात करते हैं अपन क्या सारे सेल एक से शेप के होते हैं बिल्कुल नहीं आरबीसी डब्ल्यू बी सी तरह तरह के सेल्स पड़े कोई गोल है कोई लंबा है सब अलग अलग तरह के हैं। यानी साइज भी अलग अलग है शेप भी अलग अलग है और इवन सेल की एक्टिविटीज भी अलग अलग है एक्टिविटीज ऑफ सेल वैरीज। अगर वो आपको दे देंगे ना ओनली सेल शेप वेरीज ओनली साइज वेरीज नहीं साइज शेप एक्टिविटी सब कुछ वैरी करता है अब शेप किस बात पे डिपेंड करेगा देखो शेप वगैरह ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स कि उसको काम क्या करना है जैसा काम वैसा शेप भाई ट्रैकिड है, है पानी पहुंचाना है फ्लोयम में सीव ट्यूब है खाना पहुंचाना है तो लंबा सा होगा पाइप जैसा का सेल गोल गोल है बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं क्योंकि वहां हवा आनी है तो आरबीसी बाय कॉन्केव बना दिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए ज्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो सके तो शेप डिपेंड करेगा डिपेंड ऑन फंक्शन इट परफॉर्म्स फंक्शन जो काम करेगा वैसा शेप हो जाएगा ठीक है चलिए अब आइए फटाफट से हम पहले साइज की बात कर लेते हैं पूरी एनसीआरटी छाप दूंगी मैं पूरी एनसीआरटी ठीक है नाउ सबसे पहले यू कैरियोटिक सेल फिर प्रो कैरियोटिक सेल यानी टिपिकल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं टिपिकल बैक्टीरिया क्योंकि प्रो कैरियॉट में तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं माइकोप्लाज्मा भी आता है आरकी बैक्टीरिया भी आते हैं इसके बाद हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा यानी पी पीपीएलओ की पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा और फिर हम बात करेंगे वायरस की जिसे लिविंग नहीं मानते हैं लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है ठीक है नाउ यू कैरियोटिक सेल देखो ट्रिक से याद कराती हूं सब कुछ माइक्रोमीटर में है माइक्रॉन में दस से बीस इसका फिफ्टी परसेंट कर दो एक से दो इसका फिफ्टी परसेंट कर दो पॉइंट वन से पॉइंट टू माइक्रॉन ठीक है कितना इजी है ये एनसीआरटी के डायग्राम में है दस से बीस टेन परसेंट कर दो फिफ्टी परसेंट बोल दिया था ना मैंने टेन परसेंट कर दो एक से दो और टेन परसेंट कर दो पॉइंट वन और इसका होगा और टेन परसेंट कर दो तो पॉइंट जीरो वन होता पर पॉइंट जीरो टू से पॉइंट टू माइक्रॉन सब माइक्रॉन में ये तो डायग्राम में लिखा है पर एनसीआरटी की थ्योरी में बैक्टीरिया को लिखा हुआ है थ्री टू फाइव माइक्रॉन ये एनसीईआरटी की थ्योरी में है हमको दोनों चीज आनी चाहिए थ्योरी पूछेंगे तो थ्योरी डायग्राम पूछेंगे तो डायग्राम थोड़ा थोड़ा सा साइज में डिफरेंस होगा अलग अलग बैक्टीरिया में इसी तरह थ्योरी में यहाँ पे पॉइंट थ्री माइक्रॉन दिया है माइक्रो प्लाज्मा में ये सब हमें अच्छे से आना चाहिए यानी अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है तो वो श्रेय तो इसी को ही जाएगा दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्योंकि वायरस लिविंग नहीं होता है अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अपने आरबीसी की आरबीसी जो होता है स्टूडेंट्स आरबीसी का शेप कैसा होता है आरबीसी होता है राउंड या सर्कुलर यानी गोल एंड बाय कॉन्केव मुझे याद है स्टूडेंट्स मैं जब पढ़ाई करती थी मुझे कभी समझ नहीं आया कि कोई चीज गोल भी है और बायकॉनकेव भी है ये कैसे हो सकता है पता ये कैसे हो सकता है कैरम बोर्ड की गोटी कैरम बोर्ड की गोटी कैसी होती है दिखने में तो गोल होती है पर दोनों सरफेस हल्के से से पिचके रहते हैं कॉन्केव ये इसीलिए ताकि सरफेस एरिया अंदर बढ़ जाए और ढेर सारा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो सके अगर कोई चीज गोल है तो उसका डायमीटर होगा तो इसका डायमीटर होता है सेवन माइक्रॉन पर यह डायमीटर है लंबाई चौड़ाई नहीं इस तक पे क्वेश्चन आ सकता है इज इट क्लियर ठीक है यह साइज याद करना है एक एक शब्द याद करना है जो एनसीआर में चलिए अब इसके बाद लार्जेस्ट सेल किसका होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑस्ट्रिच का शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एक और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आर बॉडी हमारी बॉडी में है न्यूरॉन क्यों होगा भाई सबसे लंबा क्योंकि उसे दूर दूर खबर लेके जानी है तो हमारी बॉडी में सबसे लंबा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगा न्यूरॉन यानी नर्व सेल इतनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए फटाफट से इसे कॉपी करो मैं एक बार पानी पी लेती हूँ क्विकली एवरीबडी क्विकली क्विकली ठीक है आस्था आयुष जीवेश सब चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि टेंशन हो रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्या करें मैम समय वेस्ट हो गया था हमारा आ, हम पढ़ नहीं पाए कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं मैम आप पहले क्यों नहीं मिले छह महीने के पहले क्यों नहीं मिले स्टूडेंट्स एक बात बोलू आपको अतीत को, को कोसते कोसते और भविष्य को सोचते सोचते अतीत को कोसते कोसते और भविष्य को सोचते सोचते वर्तमान ना जाने कहां खो गया यह काम अपने को नहीं करना है जो हो गया वो हो गया जो समय गया, गया कुछ कारण होगा नहीं हो पाया कोई बात नहीं है आज तो हमारे पास में है असफल वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो सोचते ज्यादा है और करते नहीं है हमें करना है आपको सुनना नहीं है आपको सोचना नहीं है आपको करने बैठ जाना है अब जो भी आपको टीचर्स मिले जो भी बेस्ट सीरीज मिले जो भी मटेरियल मिला है बस उसको जी जान लगा के पढ़ने लग जाओ मैं फिर कहूंगी अतीत को सोचते सो, कोसते कोसते भविष्य को सोचते सोचते वर्तमान ना जाने कहां खो गया यही वर्तमान कल फिर आपका अतीत बन जाएगा और फिर आप इसे कोसते रहोगे कि यार मैं कल क्यों नहीं पढ़ा कहते हैं ना Tomorrow नेवर कम्स कल कभी नहीं आता क्योंकि वो कल फिर आज बन जाएगा फिर आप बोलोगे कल फिर वो कल फिर आज बन जाएगा और कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स बहुत होता है ये दिन पढ़ाई करने के लिए अगर आप फोकस होके पढ़ना शुरू कर देंगे आपको पढ़ना है पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि पढ़ाई करने बैठ जाओ पढ़ने बैठ जाओ मन नहीं लग रहा तो भी बैठो आधा घंटा मन नहीं लगेगा पौन घंटा मन नहीं लगेगा उसके बाद मन लगेगा अपने आप समझ में आएगा मन लगेगा लेकिन इसमें कि अपन रोते रहेंगे अपन कोसते रहेंगे अरे यार मैं पढ़ नहीं पाया मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई मेरी दोस्ती से झगड़ा हो गया मेरा दिमाग खराब हो गया था मुझे टीचर नहीं मिले क्या होगा इससे कुछ भी नहीं होने वाला है अपनी टेंशन के आगे ऐट लगा दो अपनी टेंशन के आगे एड लगा दो और इसे अटेंशन कर दो और अटेंशन हो जाओ और अटेंशन होकर अपना काम करने लग जाइए कोई किसी को नहीं पड़ी आपकी टेंशन की कोई नहीं पूछेगा कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आप बहुत टेंशन में थे आखिरी के दिनों में सब रिजल्ट्स चाहते हैं तो ऐट लगाइए टेंशन के आगे अटेंशन हो जाइए और जी जान से लग जाइए ना कोसना है ना सोचना है अब तो करना है हमें इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीबडी ठीक है तो सब करने के लिए तैयार है जो जो करने के लिए तैयार है एक बार फटाफट फड़ से मुझे थम्स अप या येस बोल दीजिए हाँ आज ऐप में कुछ प्रॉब्लम हुई है ठीक है आज ऐप में कुछ प्रॉब्लम हुई है टीम उसे देख रही है पीडब्ल्यू में चलो फटाफट फड़ से हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो गए साइज की बात अब जल्दी से सब लोग अपनी एनसीआरटी खोलिए मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में है पूरा आशीर्वाद मेरा सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं है आशीर्वाद तो है ही दुआएं तो है ही मेरा फुल सपोर्ट रहेगा नीट तक आपके साथ कि मैं आपको पढ़ा पाऊं ठीक है चलिए आइए फटाफट पड़ से स्टूडेंट्स एनसीआरटी ओपन करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से एवरीबडी 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 येस वी हैव टू क्रैक करना है टेंशन वेंशन नहीं लेनी टेंशन का समय ही कहाँ है पढ़ने का समय है चलो देखो रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाय कॉन्केव डब्लू बी को चीजों को पकड़ के खाना है और खाना है तो इसमें सूडोपोडिया बनने चाहिए यहां बैक्टीरिया है ये निगल लिया अंदर यहां बैक्टीरिया है ये निगल लिया अंदर यानी अमीबॉइड माफ करो अमीबा की तरह कॉलम सेल्स कैसा होगा कॉलम कैसा होता है लंबा और पतला यानी लॉन्ग एंड नैरो सब रटा होना चाहिए एक एक शब्द आना चाहिए एक एक शब्द नाउ नर्व सेल कैसा होगा लंबा और ब्रांच क्योंकि दूर दूर पहलाना है इसके नोट्स आपको इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स नाउ ट्रैकिड लंबा होगा वेसिल लंबी होगी सीव ट्यूब लंबा होगा क्योंकि दूर दूर पानी खाना पहुंचाना है सेल हम जानते हैं राउंड या ओवल होते हैं इस तरह के जो लीव्स में होते हैं ये सारे शेप्स मार्क करो एक, -एक शब्द पढ़ना है पूरी एनसीआरटी पढ़नी है सीरीज के अंदर हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है चलो अब ये लाइन देखो एनसीआर की सब लोग शेप की बात कर रहे हैं मैंने साइज तो बता दिया देखो डिस्क शेप पॉलीगोनल शेप कॉलम नार क्यूबॉइडल धागे जैसा इरेग्युलर यानी अमीबॉयड इतना सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट सॉरी मैं आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के मैसेजेस देख नहीं पाई थी आपके मैं आई वॉज नॉट वेल बट मैं पक्का आपको कल तक सब आंसर करती हूं ठीक है बायोलॉजी में हमारा साथ दे तो डरने की क्या जरूरत मैं बिल्कुल आपके साथ में हूं ठीक है पर अब मेरा कोई स्टूडेंट डल नहीं होगा डिप्रेस नहीं होगा सोचेगा नहीं प्लान बनाएगा क्लास पढ़ेगा 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 चलो फटाफट -फड़ से आगे बढ़ जाते हैं सो so, ये सब मैं आपको बता चुकी हूं स्टूडेंट्स आप आ जाइए टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाओ फटाफट से टाइप्स ऑफ सेल्स आप सब जानते हो दो तरह के सेल्स होंगे प्रो और यू कैरियोटिक यू एंड प्रो ये सबको पता है यहां पे carry on word का मतलब होता है न्यूक्लियस इसमें सच्चा न्यूक्लियस मिलेगा ट्रू न्यूक्लियस और इसमें सच्चा nucleus नहीं मिलेगा अब ये क्या मतलब होता है न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस देखो समझो मान लो कि अपन एक छत पे खड़े हैं तो क्या कहोगे कमरे में खड़े हो कि छत पे छत पे लेकिन अगर मैं चार दीवारी बना दूं तो चारों तरफ तो आप कहोगे मैं छत के ऊपर कमरे में खड़ी हूं तो जब जेनेटिक मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है तो उसे न्यूक्लियस कहने लगते हैं वो कमरा बनाने जैसा है यानी पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो यहां पर एबसेंट है एक बार क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन यू कैरियर एंड प्रो कैरियो उसमें चार ऑप्शंस थे जिसमें से दो सही थे दो डिफरेंस बिल्कुल सही थे पर एक चॉइस करनी थी तब ये फंडा काम आया था क्योंकि बेसिक आधार यही होता है ठीक है चलो अब इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा न्यूक्लियोलस डीएनए जेनेटिक मटेरियल दोनों में होगा लेकिन यहां पे हिस्टोन प्रोटीन होंगे डीएनए के साथ जुड़े हुए यहां पे हिस्टोन नहीं होगा उसकी जगह कुछ और होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेंगे यहां मिलेंगे मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट यहां नहीं मिलेंगे एबसेंट एक्सेप्ट अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था साइनोबैक्टीरिया में मैंने बताया था कि क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टूटकर पिंच ऑफ होके बनते हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है सो एक्सेप्ट क्रोमैटोफोर्ड्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिनमें पिगमेंट्स मिलते हैं ये बात हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस सीरीज में भी पढ़ चुके हैं थैंक यू थैंक यू एसपर थैंक यू आपके ढेर सारे प्यार के लिए ठीक है नाउ इसके बाद नेक्स्ट uh, यहां पे मिलेंगे जो सेल वॉल होगी अगर है एनिमल्स में नहीं है बट जिनमें है तो या तो सेल्यूलोर्स की होगी सेल्यूलोर्स हैमी सेल्यूलोर्स पेक्टिन अभी हम देखेंगे जैसे प्लांट्स में एल्गी में या काइटिन की होगी काइटिन जैसे फंगस में लेकिन यहां की जो सेल वॉल होगी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं बैक्टीरिया पूरा पेप्टाइडो पेप्टाइडोग्लाइकन जिसे म्यूरीन बोलते हैं उसकी होगी और आर की बैक्टीरिया में पढ़ाया था आपको सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन डिफरेंट होगा पेप्टाइडोग्लाइकन क्या सिखाया था अमीनो एसिड प्लस शुगर इतना सबको याद है अच्छे से याद है ठीक है एनिमल किंगडम छवि मैम पढ़ा चुके हैं डियर स्टूडेंट इसी सीरीज में हो चुका है चलो अब और क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में इनके बीच में फ्लैजिला का भी डिफरेंस होता है इसका जो फ्लाजिला है वो टिब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला सीलिया टिब्यूलिन प्रोटीन का जबकि इसका जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम होती है अब राइबोसोम दोनों में मिलेगा स्टूडेंट्स क्योंकि राइबोसोम पे मेमब्रेन नहीं होती है पर मेमब्रेन बाउंड वाले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इस पर बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रो कैरियॉट यू कैरियॉट में क्या डिफरेंस है इतना बेसिक्स क्लियर हो गया अच्छा इसके अलावा इसमें ए माइटोसिस होता है इसमें माइटोसिस मियोसिस होता है ये भी डिफरेंस है इसमें जो साइटोप्लाज्म घूमता है स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस वो होती है इसमें नहीं होती है ये मोर एडवांस्ड है ऑफ कोर्स लेस एडवांस्ड है डन चलिए आगे बढ़ जाएं इसमें ट्रू वैक्यूल्स मिलते हैं इसमें ट्रू वैक्यूल नहीं मिलते हाँ गैस वैक्यूल्स मिल सकते हैं गैस वैक्यूल्स गैस वैक्यूल कैसे थे स्टूडेंट्स याद है ब्लू ग्रीन एल्गी में था और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में था इनमें हवा भरी थी हल्कापन बायोइंसी देते हैं ताकि सरफेस पर आ जाए और सनलाइट को ट्रैप कर सके याद आ रहा है ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं ठीक है जबकि यहाँ पे ट्रू वैक्यूल्स मिलेंगे फूड वैक्यूल अभी हम सब सीखेंगे वो सब मिलेंगे चलो सो so हम आ जाते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यू कैरियोटिक के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल अब बड़ा मजेदार है आपको सब आता है ये मैं तो आपको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को रिमाइंड करवाने वाली हूं देखो सेल वॉल का सबसे पहला डिफरेंस है याद है टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो बना ही इसी आधार पे था देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी साइटोप्लाज्म दोनों में होगा ठीक है अब डबल मेम्ब्रेन पर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होंगे पर प्लास्टिड्स इसके पास होंगे प्लास्टिड्स वो यहां नहीं होंगे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट नहीं होगा अच्छा सेल वॉल है तो उसी से रिलेटेड मिडिल लैमिला और अभी मैं पढ़ाऊंगी दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा तो जहां वॉल है वहीं पर ये सब कुछ भी होगा यहां पर नहीं होगा अब सिंगल पर आते हैं ईआर ER दोनों में होगी गोल्जी बॉडी दोनों में होगी वैक्यूल दोनों में होगा पर सैप वैक्यूल पर्टिकुलरली बड़ा सा भी सिखाऊंगी सब इसमें होगा इसमें नहीं होगा अब लाइजोजोम बड़ा मजेदार है ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुन लीजिएगा लाइजोजोम जो है स्टूडेंट यहां तो पक्का मिलते हैं अब ध्यान से सुनो या तो ऐसा बोलते हैं रेयर या एबसेंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा एनसीआरटी के डायग्राम में जो प्लांट सेल का डायग्राम है उसमें लाइजोजोम बने हैं गिवन इन एनसीआरटी डायग्राम तो ध्यान रखना कि इसमें होते भी हैं क्योंकि एन के डायग्राम में ये बिल्कुल बने हुए हैं चलिए अब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में आए तो राइबोसोम दोनों में होंगे ठीक है अब और क्या होगा ध्यान ध्यान से समझो पहले अपन आ जाते हैं माइक्रोबॉडीज पे माइक्रोबॉडीज में पर दोनों में होगा लेकिन ग्लाई और स्फीरोजोम सब सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में स्टूडेंट्स फीरोजोम ये सिर्फ इसमें होगा इसमें नहीं होगा इसमें नहीं होगा ठीक है इसके अलावा आपको याद है अपन अपने एनिमल सेल में ऐसे करके ऐसे बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई बोलते हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टीन में मिलते हैं सो यहाँ पे माइक्रोविलई प्रेजेंट होंगे यहां माइक्रोविलाई नहीं मिलेंगे अब एक बात समझो देखो माइक्रोविलाई तो छोटी सी चीज है प्लांट सेल बड़े जोश में आता है और एनिमल सेल को बोलता है दीवार पिक्चर का डायलॉग है अमिताभ बच्चन शशि कपूर अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास गाड़ी है बंगला है नौकर चाकर है शानु शौकत है तुम्हारे पास क्या है तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास मां है बस कुछ उसी तरह प्लांट सेल एनिमल सेल को बोलता है मेरे पास वॉल है मिडिल है प्लाज्मोडेस्मेटा है प्लास्टिड है सैप है ग्लाइक्सीजोम है स्पीरोजोम इवन लाइजोजोम भी हो सकता है तुम्हारे पास क्या है तो एनिमल सेल बोलता है मेरे पास सेंट्रोसोम, है। सेंट्रोसोम 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 है जो दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है वो केवल एनिमल सेल में मिलेगा हो गया डन हो गया ठीक है ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बेटा ऐसे थोड़ी काम चलेगा अड़तीस चैप्टर में से अपन हेवाई नहीं पढ़ सकते सब पढ़ेंगे धीरे 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 ओवरी के बारे में आपको जुलॉजी में पढ़ाया जाएगा ठीक है हो गया क्लियर येस yes, मेरे पास माँ है बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो अक्षय कुमार के पास माँ नहीं रही मैम अक्षय कुमार की मदर पास डे क्या पता नहीं मुझे नहीं पता अभी आप लोगों के इतने सारे सीरीज बनाना है लेक्चर्स बनाना है हॉस्पिटल करना है अपनी ट्रैवलिंग करनी है अपने घर पे टाइम देना है मेडिटेशन करना है उस बीच में अक्षय कुमार के बारे में तो खबर नहीं रख पा रही हूं मैं ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए चलो सो प्लांट और एनिमल सेल अब आप एन का डायग्राम देख लेना न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वो सब कॉमन होगा मैं सब बता चुकी हूँ आपको चल ये सब हो गया अपना चलिए आइए स्टूडेंट सो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पहले बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्योंकि मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था ठीक है ऐप ओपन नहीं हो रहा है आप लोग प्लीज बार बार परेशान मत होइए टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट जैसे ही ऐप क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ठीक है ना ठीक है चलो थैंक यू जायेद जितेंद्र ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट एनसीआर से किया है आयुष अच्छी बात है आपने एनसीआर से की है पर ह्यूमन फिजियोलॉजी समझना है तो जो लेक्चर्स लिए जाएंगे उनको अच्छे से समझ लेना है ना समझना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू थैंक यू चिंटू यस आयुष्मान कह रहे हैं मेरे पास गुरु है थैंक यू डियर चलो आ जाओ फटाफट से एक बैक्टीरियल सेल बनाते हैं बनाओ मेरे साथ सबसे पहले मैं बना रही हूँ इसकी सेल वॉल बनाओ चलो फुल पेज पे बनाना अच्छा बढ़िया डायग्राम बनाएंगे अगर आपको लग रहा है खिचड़ी पकड़ी है तो आप नीचे डिटेल लिखते रहना ठीक है चलो नहीं पहले से लिखे हुए मजे नहीं आते एक बार लिखो खुद से तो आपको भी फील आएगा चलिए अब ये है सेल वॉल अब सेल वॉल का क्या काम होता है सेल वॉल का काम होता है एक तो शेप प्रोवाइड करना एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सपोर्ट देना ठीक है सो सेल वॉल का पहला काम हो गया शेप देना दूसरा हो गया सपोर्ट देना इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अपन पढ़ते हैं कि एनिमल सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है अगर उसमें बहुत पानी घुसता है तो फट जाता है या पानी निकलता है तो कोलैप्स कर जाता है पर प्लांट सेल के साथ ऐसा नहीं होता याद है क्योंकि सेल वॉल उल्टा प्रेशर लगाता है यानी प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग लैब्स या बर्स्ट से भी ये बचाती है क्योंकि मैं प्रो की बात कर रही हूं तो उसमें वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होगी ये हम ऑलरेडी जानते हैं यानी अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज की ये हो गया सेल वॉल ठीक है थैंक यू थैंक यू अविनाश आपके लिए ही बैच ज्वाइन किया है थैंक यू डियर चलिए अब इसके बाद आ जाएगी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रो कैरियोट और यू e कैरियोट में बिल्कुल सेम होता है इवन केमिकली भी सेम होता है ये नीट का क्वेश्चन है सो so, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी वही सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल है और वही लिपिड और प्रोटीन्स की बनी है थोड़ी सी देर में अभी अपन पढ़ेंगे यानी लाइपो प्रोटीन की बनी हुई है थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होगा अभी अपन सब पढ़ेंगे यानी ये सेम एज यू कैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इंपॉर्टेंट है वरना इसके तो केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है प्रो यूकैरियोट यू में ठीक है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इसके बाद ये पूरा साइटोप्लाज्म है अब, अब इनके जेनेटिक मटेरियल पर आते हैं इनमें न्यूक्लियस तो मिलेगा नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी नहीं न्यूक्लियोलस मिलेगा नहीं इनका ये पढ़ाई डीएनए ये मान लो डीएनए तो इनके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं न्यूक्लियस जैसा यानी ये इनका एक सिंगल डीएनए है सर्कुलर है आप देख रहे हो हमारा लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड हमारा भी डबल स्टैंडर्ड होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है यानी लाए नेकिड इन साइटोप्लाज्म है नेकेड इन साइटोप्लाज्म और असेंशियल है हर बैक्टीरिया में ये मिलेगा ही मिलेगा ठीक है Done. चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी न्यूक्लियोलस नहीं होगा वो मैं पहले ही लिखवा चुकी हूं तो मैं दोबारा नहीं लिखवा रही हूं अब इसके चारों तरफ एक कवरिंग मिलती है स्टूडेंट्स इसे ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं ऐसे चिपचिपी सी ये है ग्लाइको कैलिक्स ये या तो चिपचिपी होगी लूज चिपचिपी तो हम इसे स्लाइम कह देंगे स्लाइम लेयर यानी लूज एंड स्लाइनी चिपचिपी से या ये थिक टफ होगी तब हम इसे कैप्स्यूल कह देंगे थिक एंड टफ थिक एंड टफ ठीक है तो हम इसे ग्लाइकोकैलिक्स बोल देंगे हाँ मैं विद्यापीठ में बिल्कुल पढ़ाती हूं कोटा में डेफिनेटली चलिए अब इसका काम इसका काम और इसका काम तीनों का अलग अलग है केमिकल नेचर भी अलग अलग है इस ये पॉलीसेक्राइड का बना है ये पेप्टाइडोग्लाइकन का, का बना है ये लिपिड प्रोटीन का बना है यानी वन टू एंड थ्री इन तीनों का काम अलग है इनका केमिकल नेचर अलग है मैंने क्या कहा आओ यहां लिखते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री तीनों का काम अलग है अपना अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है केमिकल नेचर भी अलग है लेकिन ये तीनों रक्षा कर रही हैं इस सेल की यानी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही हैं। इन्हें बोलते हैं ये सेल का लिफाफा बना रहे हैं सेल एनवलप सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर से इसीलिए कृपया करके कोई मस्ती ना मारे और इसको सीरियसली पढ़ो मस्ती मारो पढ़ने के लिए पर टाइम पास करने मत आओ चैट में बिल्कुल भी टाइम पास करने मत आओ ठीक है <laughs> आ गया समझ बहुत बढ़िया चलो अब और इसमें क्या मिलेगा देखो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अच्छा देखो एक बात समझो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा प्लास्टिड नहीं मिलेगा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ER नहीं मिलेगा गोल्जी नहीं मिलेगा लाइजोजोम नहीं मिलेगा हाँ गैस वेक्यूल मिल सकते हैं कुछ कुछ में ठीक है वो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इसके बाद सेंट्रोजोम नहीं मिलेगा लेकिन राइबोजोम मिलेंगे तो ये सपोज मैंने राइबोजोम बनाया एक लेकिन डिफरेंस है क्या डिफरेंस है ये भी यू कैरी आउट में एट्टी एस मिलता है इसमें सेवनटी एस मिलता है, 70S की दो सब होती है तो कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता ईमानदारी से एक बार हाथ उठाइएगा हैंड रेज या थम्स अप मुझे भेजो जिन्हें सच में नहीं पता है ये फिफ्टीन बाय ट्वेंटी नैनोमीटर साइज का होता है काम वही है जो यू में प्रोटीन बनाना यानी प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेस। अब प्रो के अंदर क्या होता है कि कभी कभी भाई एम आर डीएनए से आरएनए बना इस पे भी लगते हैं हमारे में भी होता है पर वो ऐसे पड़े रहते हैं यानी एक सिंगल एम पे ढेर सारे राइबोसोम इसे बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम मैं लिख नहीं रही हूं पूरा मेनी राइबोसोम्स सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एम आर एन ए काम तो वही होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन करना बट ये ओनली प्रो में मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर यू में नहीं देखने को मिलता से पॉलिसोम पीसे प्रो प्रोकैरियोट्स, देखो कितने सारे ईमानदार मेरे बच्चे हैं जो सब हाथ उठा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है चलिए अब आ, और क्या मिलता है देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर एटीपी कौन बनाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करेगा और इसमें गॉल्जी बॉडी नहीं है तो फिर सेल वॉल का मटेरियल कौन बनाएगा ये सारा काम ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ घूमती है ऐसे ये घूम गई अंदर की तरफ ये करती है और इसे हम कहते हैं मीजोजोम मीजोजोम भी केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं ओनली प्रोकैरियोट्स में ओनली इन प्रोकैरियोट्स तो पॉलीराइबोजोम केवल प्रोकैरियोट्स में है मीजोजोम केवल प्रोकैरियोट्स में है अब मीजोजोम में जो बात हमें याद रहती है हमें ये तो बहुत अच्छे से याद रहती है कि मीजोजोम में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम कर रहे हैं यानी एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है पर जो हमें याद नहीं रहता है यही मटेरियल बनाएंगे सेल वॉल का सो सेल वॉल सिक्रीशन जब डीएनए से डीएनए बनना है यानी डीएनए रेप्लिकेशन और उस डीएनए को डॉटर सेल में पहुंचाना है इन सब के एंजाइम्स भी इसी पे रहते हैं यानी डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स वो सब इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल वॉल सिक्रीशन हम जनरली भूल जाते हैं एनसीआर लिखती है कि ये मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ा रहा है एंजाइम्स का नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ढेर सारे मीजोजोम होंगे इतना अच्छे से क्लियर हो गया ऋषिकेश गॉड ब्लेस यू अच्छे से समझ में आ गया है चलिए अब और क्या मिलता है गॉल्जी का काम हो गया मीजोजोम का काम हो गया प्रोटीन बन गए डीएनए की बात कर ली कुछ कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मिलते हैं छोटे छोटे इन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लाजमेड इसकी डिटेल आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं plasmid. ये मेन डीएनए के अलावा है यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं इसे एक्स्ट्रा जीनोमिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बहुत सारे हो सकते हैं छोटे होंगे कम डीएनए है कम जीन्स होंगे ये भी सर्कुलर है ये भी डबल स्टैंडर्ड है हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है जरूरी नहीं है कि यह हो नॉट असेंशियल ये तो मिलेगा ही मिलेगा न्यूक्लियोइड आइडिया असेंशियल नहीं है नॉट असेंशियल पर अगर होगा तो यह एक यूनिक कैरेक्टर देगा फिनोटिपिक हो सकता है यहां पे ऐसे जीन्स हो जो नाइट्रोजन फिक्स करवाएं हो सकता है ऐसे जीन्स हो जो फर्टिलिटी बढ़वाएं यानी ये प्रोवाइड करवाएगा यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर अगर मौजूद है तो बाकी इसी प्लाज्मेट को वेक्टर की तरह यूज करते हैं याद है बायोटेक्नोलॉजी में फॉरेन डीएनए घुसाते हैं इसके साथ और होस्ट के अंदर डालते हैं इज इट क्लियर आयुष्मान जल्दी जल्दी, जल्दी जागृति की जल्दी दोबारा से वीडियोस अपलोड करेंगे बिल्कुल पक्का चल अब और क्या मिलता है इसमें फ्लैजिला क्या हो गया भाई ये प्लाज्मा मेमरी जगह पे लगा देते हैं टक फ्लाजिला अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो ही मिलेगा तो सपोज ये मैंने फ्लैजिला इफ मोटाइल वरना नहीं flagella, if motile, if motile. अब इसका flagella हमारे फ्लाजिला से डिफरेंट होता है यू कैरियस का फ्लाजिला बना होता है किसका टिब्यूलिन प्रोटीन का पर ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये एनसीईआरटी की लाइन है कि स्ट्रक्चरली ये दोनों डिफरेंट है हमारे फ्लैजिला में दो हिस्से होते हैं एक एक बेसल बॉडी और फिलामेंट इसमें तीन पार्ट्स होते हैं तीन पार्ट्स एक इसकी बेसल बॉडी एक इसका हुक ये हुक और फिर आएगा फिलामेंट जो धागे जैसा निकला है नेचुरली सबसे लंबा क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स फिलामेंट ये ये पार्ट क्वेश्चन आता है 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 और ना सिर्फ यही कर रहा है from the surface, ये की है. पता है, हमारा ऐसे move करता है hunter जैसा डिग्री और ये प्रो कैरियो का ऐसे move करता है फ्लाजिला थ्री 360 डिग्री इज इट क्लियर ठीक है आगे बढ़ जाए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बेबी ड्राइवर सही जवाब दिया है आपने बिल्कुल सही बात मेरे बालों में मत इंटरेस्टेड हो किसी के बालों में मत इंटरेस्टेड हो आपके बाल उड़ जाएंगे नहीं तो अगर जीवन में सिलेक्शन नहीं हुआ कमाया नहीं अपने पैरों पर पे खड़े नहीं हुए तो लोग नोच नोच के बाल खा जाएंगे आपके ठीक है मुझे तो पसंद है ऐसे तो मैं ऐसे रखती हूँ दिस इज माई स्मार्टनेस चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं अब जिसको जो पसंद है वो कर सकते हैं अब एक स्ट्रक्चर और होता है जिसपे बड़ा क्वेश्चन आता है आइए समझते हैं समझो यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना अंदर घूमी है तो मीजोजोम बना यानी मीजोजोम कैसे बना है बाय इनवर्ड फोल्डिंग इन फोल्डिंग कहेंगे ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द पर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ भी मूव करती है ऐसे 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है तब हम इन्हें नाम देते हैं और पिलई पिम्बरा सिंगुलर हो जाएगा पिम्बरी प्लूरल पिलस सिंगुलर हो जाएगा पिली प्लूरल मैं क्या करने वाली हूं अब इन दोनों की डिटेल्स अलग से लिखने वाली हूं ताकि यहां पे खिचड़ी नहीं पक जाए ठीक है फटाफट से देख लो इतना एक बार जल्दी से सब देखो अगर किसी का कोई पॉइंट छूटा है फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ जाओ आ जाओ अब पिली और फिमरी की बात करते हैं इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं पिली और फिमरी जो है स्टूडेंट्स ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं और पिलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है यानी इन दोनों का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने को लगता क्या है कि ये तो फ्लैजिला जैसा दिख रहा है तो ये मूवमेंट कराता होगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ये मूवमेंट नहीं कराता है पिली और फिमरी का नो रोल इन मोटिलिटी ये नीट के फेवरेट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ा रही हूं मैं नो रोल इन मोटिलिटी फिर इनका काम क्या है इनकी मदद से बैक्टीरिया अटैच होता है किसी सरफेस के ऊपर सो so, इनका काम है अटैचमेंट ऑन या टू सब और पिली जो होते हैं ना स्टूडेंट्स उनके थ्रू कॉन्ज्यूगेशन भी होता है ट्यूब बन जाती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था ठीक है इतना सबको क्लियर है पांचाल प्लाज्मा मोहम्मद ओवेज इज इट क्लियर चलो अब क्या क्वेश्चंस आते हैं ये लंबा और बड़ा वाला है इलोंगेटेड लंबा और ये छोटा वाले हैं स्मॉलर या शॉर्टर ये ट्यूब जैसा है लंबा लंबा ट्यूब जैसा यानी ट्रिब्यूलर एनसीआरटी रटवा रही हूं आपको और ये छोटा छोटा और धागे जैसा है धागे जैसा ये लंबा लंबा और ट्यूब जैसा है यानी ब्रिसल लाइक जैसे हमारे ब्रश के दांत होते हैं ना ब्रश में ब्रिसल लाइक ऐसा दोनों सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं दोनों एक्सटेंशन हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो मीजोजोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है पिली फिमरी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है पर मीजोजोम अंदर घुसा है पिली फिमरी बाहर हुआ है इतना सबको क्लियर हो गया सौम्या अर्शित वंशिका निसर्गा कार्तिक एवरीबडी एक बार जितने स्टूडेंट्स देख रहे हो मुझे यस या थम्स अप भेज दो यहां पर कंप्लीट हो गया है अपना प्रो सेल का स्ट्रक्चर जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कुछ और भी चीजें जो अभी मैं पढ़ा रही हूं सो ग्लाइको कैलिक्स हो गया सेल वॉल हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई जेनेटिक मटेरियल की बात हो गई साइटोप्लाज्म की बात हो गई डबल मेम्ब्रेन होगा नहीं सिंगल मेम्ब्रेन होगा नहीं मेमब्रेन डेस्ट में राइबोसोम हो गया गैस वेक्यूल मिल सकते हैं मिल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में वो बात हो गई पॉलीराइबोसोम पिली फिमरी केवल प्रोकैरियोटिक में मिलेगा फ्लैजिला की बात हो गई अब इनमें मटेरियल स्टडी कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है छोटी छोटी थैलियाँ रहती हैं जिनमें खाना स्टोर होता है आइए इन्हें क्या कहते हैं यहां लिखते हैं अपन इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स इनक्लूजन बॉडीज लिखिए इनक्लूजन बॉडीज इनपे बहुत क्वेश्चन आता है में भी क्वेश्चन आया है कुछ नहीं है छोटी छोटी जिनमें खाना स्टोर होता है स्टोरेज स्टोरेज हैं ये अब, नहीं होती, इस बात को समझो, तो है, कवरिंग तो तो होगी पर वो नॉर्मल प्रोटीन की कवरिंग है प्लाज्मा है लिपिड प्रोटीन वो सारा कुछ यानी नॉट हैं यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई हैं, यानी लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। डन अब इंक्लूजन बॉडीज जो हैं, ये कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो मुझे या तो फैट स्टोर करना है तो फैट बॉडीज या मुझे ग्लाइकोजन स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होंगे या मुझे प्रोटीन स्टोर करना है प्रोटीन स्टोर करने वालों को कहते हैं साइनोफाइसियन देखो फाइसियन पी आ गया इसमें प्रोटीन इकट्ठा होता है और फॉस्फेट्स इकट्ठा करने के लिए होते हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स प्रोटीन के लिए और वॉल्यूटेन ग्रैन्यूल्स फॉस्फेट के लिए ये सारे नीट के क्वेश्चंस हैं सारे नीट के क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डन नहीं मेम्ब्रेन नहीं होती है वंशिका प्रोटीन की नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है उसे मेम्ब्रेन नहीं मानेंगे मेम्ब्रेन तभी बोलते हैं जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन हो थैंक यू निसर्ग थैंक यू थैंक यू आपको मजे आ रहे हैं माई डियर स्टूडेंट बहुत बढ़िया नहीं 2023 के लिए कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं है 24 के लिए भी अभी नीट के कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है वो केवल सी के लिए रिड्यूस हुआ है थैंक यू थैंक यू रीना थैंक यू माय डियर चलो फटाफट से आगे बढ़ जाएं सो so, यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ लिया हमने सेल की बात की हमने सेल थ्योरी पढ़ ली हमने सेल की डिस्कवरी की बात कर ली हमने जो है प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लिया फिर यू कैरियोटिक ने प्लांट एनिमल सेल में डिफरेंस देख लिया और एक टिपिकल प्रो कैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख लिया मान के चलो एक क्वेश्चन तो हो ही गया है आपका नीट के लिए आइए अब हम फटाफट -पड़ से आ जाते हैं यू कैरियोटिक सेल पे सबसे पहले आओ पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाओ चलो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा सब एक ही बात है सब मोह माया है नाम में क्या रखा है गुलाब को कोई भी नाम दो उसकी खुशबू तो वही रहेगी ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए अपन अब एक स्टूडेंट लिख रहा है कि मैम मैं पढ़ने की सोचता हूं लेकिन फिर मुझे लगता है थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा फिर वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है क्यों हम सोचते हैं पढ़ने की पर पढ़ नहीं पाते हैं घंटे बाद पढ़ेंगे शाम को पढ़ेंगे फिर लगता है सुबह पढ़ेंगे ये आपका मन आपको बेवकूफ बना रहा है स्टूडेंट्स योर माइंड योर मन इज फूलिंग यू मन क्या करता है बायो पढ़ने बैठो फिजिक्स की याद दिलाता है फिजिक्स पढ़ने बैठो केमिस्ट्री की टेंशन कराता है केमिस्ट्री पढ़ने बैठो घर वालों की कोई डांट याद आती है वो पढ़ने बैठो तो कोई दोस्त याद आता है बड़ा सबसे मन हटा के बड़ी मुश्किल से कंसंट्रेट करने बैठो तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का नोटिफिकेशन आ जाता है कोई दोस्त कोई क्वेश्चन भेज देता है दूसरे सब्जेक्ट या टॉपिक का यह आपका मन आपको बेवकूफ बना रहा है आप अपने मन को बेवकूफ बनाओ आपको एक टिप देती हूं आप अपने मन को बोलो देख यार तेरी जो भी बात है ना मैं सुनूंगा लेकिन मैं शाम को पांच से साढ़े के बीच में सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं सुनूंगा तब तक मैंने जो सोचा है वो मैं पढ़ूंगा एयरप्लेन मोड ऑन करो पढ़ते टाइम पर नोटिफिकेशन ऑफ करो अपने मन को बोलो तेरी बात सुनूंगा बॉस लेकिन पांच से साढ़े पांच बजे के बीच में अभी नहीं सुनूंगा जब ब्रेक लूंगा था फिर ही पांच साढ़े पांच बजे फिर आपका मन बोलेगा फिर उसको बोलोगे ना सुनूंगा 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 अभी थोड़ा जरूरी काम है तेरी बात मैं सुबह सुनूंगा आठ से साढ़े आठ के बीच में और ऐसे करके आप अपने मन को बेवकूफ बनाओ जब आप बार बार अपने मन को बेवकूफ बनाओगे तो मन समझ जाएगा कि यार ये समझदार हो गया अब मैं इसे बेवकूफ नहीं बना सकता वो चुप होने लग जाएगा वो धीरे धीरे आपको बहकाना बंद कर देगा आपके विचार कम होते जाएंगे थॉट्स पर सेकेंड कम होते जाएंगे और आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा आपके डाइवर्जन कम होते जाएंगे पर यह एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी ये सिर्फ मेरे सुनने से नहीं होगा इस लेक्चर को इस मोटिवेशन को सुनने से नहीं होगा अगर मोटिवेशन सुनने से जागृति आ जाती तो यूट्यूब तो भरा पड़ा है मोटिवेशन से किसी भी एक मोटिवेशनल शॉर्ट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच को लाइफ में फॉलो कर लोगे तो जीवन बन जाएगा तो अपने मन को आप बेवकूफ बनाओ आप मन से बेवकूफ मत बनो उसको बोलो कहना बॉस तेरी बात सुनूंगा पर थोड़ी देर बाद फिर बोले तो बोलो बॉस तेरी बात सुनूंगा पर थोड़ी देर बाद ये करके देखो आपका मन धीरे धीरे बोलना बंद कर देगा शांत हो जाएगा इसको करना और करके मुझे सात दिन बाद बताना चार दिन बाद ही बताना कि आपको कितना फर्क पड़ा ठीक है आगे बढ़ जाए फटाफट से चलिए इस समय बहुत 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 जरूरी है स्टूडेंट्स कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें और हम डाइवर्जन को अवॉइड करें और हम फोकस होकर स्टडीज करें नाउ सेल मेमरी जो होती है ये हम सब जानते हैं लिपिड और प्रोटीन्स की बनी है यानी लाइपोप्रोटीन की बनी है लाइपो प्रोटीन एशियस और सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देगी बाकियों को नहीं जाने देगी सिलेक्टिवली परमिएबल है अब मेनली लिपिड प्रोटीन की बनी है बट थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है तीनों ऑप्शन आएंगे तो तीनों लगाएंगे वरना लाइपो प्रोटीन बन लगाएंगे ठीक है अब आइए फटाफट -फड़ से बात करते हैं इसके लिपिड और प्रोटीन की लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरह के लिपिड्स मिलते हैं एक कोलेस्ट्रॉल मिलता है लिपिड डेरिवेटिव अभी दिखाऊंगी आपको ये टेल्स के बीच बीच में मिलेगा और मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड है ये मेन है फॉस्फोलिपिड उसमें भी मेन कौन सा वाला है लेसी थिन वाला बायोमोलिक्यूल्स में इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया होगा ज़ुलॉजी में फॉस्फोलिपिड क्या होता है ऐसा होता है ये इसका सर है हेड और ये इसकी पूछ है टेल सर को पानी से बड़ा प्रेम है इसको कैसे याद रखोगे सर पे शावर लेते हैं तो सर पे टपक रहा है ठंडा ठंडा पानी तो सर को पानी से प्रेम है यानी सर है हाइड्रोफिलिक फाइलो का मतलब भी होता है लविंग और इसको पानी से डर लगता है धर 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 कापता है यह है हाइड्रोफोबिया है इसको हाइड्रोफोबिक यानी पोलर है ये नॉन पोलर है ये बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है माई डियर स्टूडेंट्स तो है सर हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है इतना क्लियर हो गया चलो अब प्रोटीन कौन से मिलते हैं प्रोटीन्स दो तरह के मिलेंगे अभी सिखाऊंगी आपको कुछ प्रोटीन सरफेस पर हैं उन्हें एक्सट्रिन्सिक कहेंगे एक्सट्रिन्सिक करीब थर्टी परसेंट प्रोटीन ऐसे अगर दस हैं तो दस में से तीन ऐसे होंगे दोनों सरफेस पे अभी सिखाती हूं आपको बोथ सरफेस पर ज्यादातर प्रोटीन्स अंदर लिपिड में धसे हुए हैं यानी इंट्रिन्सिक या इंटीग्रल प्रोटीन इन्हें ना पेरीफेरल भी बोल सकते हो पेरीफेरल या एक्सट्रेंसिक और इन्हें इंटीग्रल या इंट्रेंसिक दस में से सात ऐसे होंगे या तो पूरा धसे हुए हैं गुलाब जामुन की तरह या पार्शियली सो पार्शियल या टोटल एम्बेडेड इन लिपिड की बायलेयर अभी सिखाती हूं सब लिपिड की बायलेयर इसके अलावा थोड़ा सा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेगा अभी सिखाती हूं एज ग्लाइको कैलिक्स जैसे प्रो कैरियोटिक सेल में भी बना था वहां सेलवॉल के बाहर ग्लाइको कैलिक्स था यहां सेलवॉल तो है नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं और आ, ये ओनली ऑन आउटर सरफेस इनर नहीं आउटर सरफेस तो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन दोनों सरफेस पे मिलेंगे पर ग्लाइकोकैलिक्स केवल आउटर सरफेस पे ठीक है अब ये जो लिपिड और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है मेम्ब्रेन के अंदर ये भी अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग होगा डब्ल्यू में हो सकता है दो परसेंट हो आरबीसी में अलग सब में अलग अलग होगा यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो जनरली स्टूडेंट्स मिस करते हैं लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन वेरीज विथ सेल टाइप विथ सेल टाइप ये इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीआरटी में आर का एग्जाम्पल दिया है कितने स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता ये लाइन नहीं पता कि एनसीआर की लाइन है बताइए स्टूडेंट वीकली टाइम टेबल ही आ पाएगा वीकली प्लानर आएगा कम्युनिटी पोस्ट पर इसी चैनल में हमारे में आर का एग्जाम्पल है मैं आपको लर्न कराती हूँ एक ट्रिक से तुरंत याद हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन बताना है ठीक है लिपिड तक फोर्टी ठीक है ये होता है फिफ्टी टू परसेंट देखो प पर से प्रोटीन प से पांच फिफ्टी टू कितना आसान है एल बनाया टक क्योंकि ये तो याद हो जाता है स्टूडेंट एक एक कौन सा क्या है समझ में नहीं आता ये देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हाथ उठा रहे हैं बहुत बढ़िया ईमानदारी से आप हाथ उठा रहे हो बहुत बढ़िया अब तो याद रह जाएगा और बचा हुआ एट परसेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है चलो आ जाओ अब अपन पढ़ते हैं सबसे मजेदार फ्लूड मोजाइक मॉडल अब एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाती हूँ देखो फ्लूड मोजाइक मॉडल क्या है पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि दो प्रोटीन की लेयर है दो ब्रेड की तरह और बीच में लिपिड का सैंडविच यानी आलू टिक्की वेज पैटी भागना मत किचन में सॉस चीज वो सब लगा है पर अब ऐसा नहीं मानते हैं अब क्या मानते हैं अब ये मानते हैं स्टूडेंट कि लिपिड का समंदर है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिपिड का समंदर है और उसमें प्रोटीन के हिमबर्ग यानी आइसबर्ग है हिमखंड है या ऐसा मान लो कि चाशनी है लिपिड की और उसमें गुलाब जामुन प्रोटीन के रूप में है ठीक है चलिए आइए कैसे बनाएंगे अपन फटाफट बनाओ मेरे साथ ये देखो लिपिड की बाय लेयर है लिपिड की बाय लेयर और प्रोटीन या तो पूरे धसे हैं या आधे धसे हैं ठीक है मैं टाइम सेव करने के लिए पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूं सो so, ये हो गई लिपिड की बाय लेयर एन दे देखना सब समझ में आएगा आपको और ये प्रोटीन हो गए अंदर धसे हुए पूरे या आधे यही प्रोटीन्स तो हैं जो चैनल और पंप बनाते हैं सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल यही सब तो बनाते हैं चलो अब एक्सट्रेंसिक प्रोटीन भी होंगे इधर भी और इधर भी ये सपोज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है ये सपोज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है दोनों तरफ लेकिन ग्लाइको कैलिक्स केवल बाहर की तरफ है ये ग्लाइको कैलिक्स है ये ग्लाइको कैलिक्स है जो प्रोटीन से भी जुड़ा है लिपिड से भी जुड़ा है ग्लाइको कैलिक्स बना होता है ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का यानी शुगर तो है ही लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच रहती है जीपी और जीएल ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड केवल बाहर बाहर की तरफ ये अंदर का क्या मतलब है आओ आपको समझाती हूं एक्चुअली क्या है ये साइटोप्लाज्म होगा इधर और इधर सेल के बाहर वाली जगह है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड इमेजिन करो ऐसा सेल बनाते हो ना तो एक्चुअली वो ऐसा है ये लिपिड की बाय लेयर है ये प्रोटीन धसे हुए हैं बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बाहर अंदर दोनों तरफ है।, ये मतलब है इतना हिस्सा कट करके मैं आपको यहां दिखा रही अच्छे से से समझ में आ गया? आगे बढ़ जल्दी से बता दो मुझे, so, या या ठीक है? इंटीग्रल प्रोटीन हो गए जिन्हें हम मुश्किल से निकाल सकते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन दोनों सर्फिस पे ईजिली निकाल सकते हैं ये तक एनसीआर की लाइन है कि, कि किस आधार पे दो प्रोटीन हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन अच्छे से जल्दी से खींच सकते हो वो बाहर वाले हैं मुश्किल से खिंचाई आएंगे वो अंदर वाले हैं अब एक जबरदस्त एनसीआरटी की लाइन दिखाती हूं आपको इसे बोलते हैं लुअड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये दिया है हमारे प्यारे सिंगर एंड निकोलसन जी ने ये सिंगर गायक नहीं है साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन ने और कब दिया है स्टूडेंट्स 1972 में काफी रिसेंट मॉडल दिया है इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस एक्सप्लेन हो जाते हैं ठीक है हाँ जल्दी बिल्कुल स्टूडेंट्स जल्दी ही कंपटीशन वाला पे महा रिविजन सीरीज शुरू होने वाला ही है इनफैक्ट आज से स्टार्ट हो गई है वहाँ पर मैं जुलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स लेने वाली हूँ कुछ बॉटनी के मेजरली जोलॉजी के और उसमें हम और क्रिस्प वे में रिविजन करेंगे बट अभी आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इसको तो पूरा सिंसियरली अच्छे से करो एक सीरीज पूरी फॉलो करनी है क्योंकि आप बेसिक से बात कर रहे हैं वहाँ पर एकदम बेसिक से बात नहीं होगी वहाँ पर डेढ़ से दो घंटे में एक चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे ठीक है चलिए अब मजे आ गए देखो पहले दिन पहली क्लास में ही माता जी से फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थैंक यू मैम आई एम हैप्पी मोनू आई एम हैप्पी टू हियर दिस गॉड ब्लेस यू माय डियर चलो डेट्स अलग से लिखो और फिर याद हो जाएंगी मैंने कहा ना आज अलग से लिखो पढ़ोगे अपने आप हाँ याद हो जाएगी धीरे 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 याद हो जाएगी चलो अब कुछ बड़ा मजेदार आपको बताती हूं देखो इस पूछ को ना पानी से डर लगता है पानी इधर भी है साइटोप्लाज्म पानी इधर भी है सेल के बाहर तो देखो अरेंजमेंट कैसा है ऐसा नहीं है नहीं तो ये इधर पानी से टच में आ जाती ऐसा भी नहीं है वरना ये पूछ इधर पानी से आ जाती ऐसा तो बिल्कुल नहीं है नहीं तो दोनों पानी के संपर्क में आती बिल्कुल नहीं ऐसे लगे हुए हैं यानी कि लिपिड बायलेयर इस तरह से अरेंजड है कि हेड्स बाहर की तरफ है सरफेस की तरफ टेल्स अंदर प्रोटेक्टेड हैं पानी एक्वस एनवायरमेंट से आ गया समझ में अच्छे से आ गया समझ में अच्छे से ठीक है चलो ये देखो ये रहा एनसीआरटी की लाइंस, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर साइड ताकि उनकी रक्षा हो एक्वस एनवायरमेंट जो अंदर बाहर दोनों तरफ है डन ठीक है क्लियर हो गया आगे बढ़ जाऊं चलो आइए आगे बढ़ जाते हैं अपन सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस फ्लूड मोजाइक मॉडल से हम सभी तरह के जो फंक्शन हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अब एक मजेदार कंसेप्ट पढ़ाती हूँ आपको ट्रांसपोर्ट या नहीं पढ़ा रही हूँ एक्टिव पैसिव वो सब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी इनकी फ्लूइडिटी का क्या मतलब है ये जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं देखो मैंने इन्हें पत्थर नहीं बोला मैंने इसे समंदर बोला या चाशनी और इसे गुलाब जामुन या हिमखंड आइसबर्ग बोला तो आइसबर्ग भी मूव करते रहते हैं ऐसे 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 और पानी तो मूव करता ही रहता है समंदर तो लहरें उठती रहती हैं यानी इनमें फ्लूइडिटी है इन मूवमेंट है, है अब बहुत बढ़िया पीवाई क्यू बना था स्टूडेंट्स आओ समझते हैं अपन यानी मूवमेंट जो होगा फ्लूइडिटी जो होगी वो लिपिड के कारण भी है लिपिड्स भी मूव कर रहे हैं और प्रोटीन भी मूव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रही हूं एनसीआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया इनडायरेक्टली दिया है पर क्वेश्चन आता है लिपिड कैसे मूव करता है दो तरीके से देखो जैसे ये है लिपिड ठीक है ये वाला इधर आ गया ये वाला इधर आ गया ऐसे लेटरल मूवमेंट ये इधर आ गया ये इधर आ गया लेटरल मूवमेंट अच्छा दूसरा देखो ये इधर आ गया ये इधर आ गया ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अब प्रोटीन कैसे मूव करता है प्रोटीन 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 केवल यू 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 मूव मूव करता है प्रोटीन थोड़ा पूरी गुलाटी टाइगर श्रॉफ की तरह ऐसे ओनली लेटरल मूवमेंट नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये पीवाई क्यू आया हुआ क्वेश्चन है अगर कोई पूछे कि फ्लूडिटी किसके कारण है प्रोटीन लिपिड या बोथ तो बोथ आंसर देना पर अगर बोथ नहीं दिया तो भाई हिमखंड क्यों हिलते हैं क्योंकि समंदर में लहरें उठती हैं तो फर्स्ट चॉइस अपनी लिपिड होगी या तो बोथ लगाएंगे या लिपिड और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैन कैन डू डू ओनली नो फ्लिप फ्लॉप बोथ अच्छे से समझ में आ गया सबको ठीक है इज इट वेरी वेरी क्लियर चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब आ जाओ फटाफट पड़ से आ जाते हैं अपन सेल वॉल पे लगा दू इसको आगे कर दू ठीक है तो अपने मन को बेवकूफ नहीं बनाना अतीत को नहीं कोसना भविष्य को नहीं सोचना आज पढ़ाई करनी है पर पढ़ना है पढ़ने का स्टूडेंट्स कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता कोई ट्रिक नहीं होती बॉटनी की ट्रिक है जोलॉजी की ट्रिक है आकांक्षा मैम के पास सबकी ट्रिक है पर मेहनत की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेहनत की एक ही ट्रिक है मेहनत करना पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करना और मैंने एक बड़ा अच्छा एक जगह पढ़ा था अगर राजा की तरह जीना चाहते हो तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो इफ यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ किंग यू हैव टू लर्न टू वर्क लाइक अ सर्वेंट और आज सब यही कर रहे हैं जितने लोग आपको सक्सेसफुल दिखते हैं जितने लोगों को आप प्रेम दे रहे हो रिस्पेक्ट दे रहे हो लव दे रहे हो जो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं मेरा तो इंस्पिरेशन ही यही होता है मैं जब कभी थक जाती हूँ कभी थोड़ा डाउन हो जाती हूं तो मुझे दूसरे लोग दिखते हैं और मुझे उन्हें देखकर लगता है यार ये कितनी मेहनत कर रहे हैं ये तो मुझसे भी ज्यादा रिच है मुझसे भी ज्यादा ऑलरेडी सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी दे आर वर्किंग सो हार्ड इनके पास भी तो ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं अगर मुझे 24 घंटे दिए हैं तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूं अगर मैं भी वैसी जिंदगी चाहती हूँ मैं भी वो लग्जरीज चाहती हूँ जो भी जो भी नेम फेम रिस्पेक्ट जिसको जो चाहिए सबकी सबकी चाहत अलग हो सकती है पर अगर आप उस गोल के लिए उसको टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कोई शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ठीक है चलिए बिल्कुल बिल्कुल अलग सर एब्सिल्यूटली आयुष क्यों नहीं कितना काम करते हैं मुझे इन लोगों से इतना मोटिवेशन मिलता है व्हेन आई सी व्हेन वेन एवर आई गेट डाउन आई सी अलग सर आई सी माय सीनियर्स एट हॉस्पिटल जो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड स्टिल दे आर वर्किंग सो मच फॉर द पेशेंट्स तब जाकर वो प्रेम मिलता है तब जाकर वो हाँ बिल्कुल खान सर बिल्कुल एब्सोल्यूटली डेफिनेटली माई डियर स्टूडेंट्स ठीक है चलिए कोई भी जो भी टीचर्स जो भी डॉक्टर्स जो भी इंसान जो भी सक्सेसफुल है वो मेहनत कर रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता बिना मेहनत करे तुक्के से तुक्के से कोई यहां पर नहीं आता ठीक है चलो लेकिन अभी वापस से पढ़ाई कर लो नीट ठीक है विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी सो सेल वॉल पे आ जाओ फटाफट से अब सेल वॉल में जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने सेल वॉल सपोर्ट देगी सेल वॉल शेप देगी सेल वॉल बर्स्टिंग से बचाएगा कोलैप्स से बचाएगा ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं ठीक है चलिए अब कहाँ भूली मैं किसी को पंचाल कहाँ भूली हूं मैं अब तुम लोग उधर पे मत लग जाओ चलो वापस बढ़ने पे आ जाओ अब वॉल जो है ये एनिमल्स में तो अपने को पता ही है आपको देखिए प्लांट की सेल वॉल एल्गी की सेल वॉल और फंगस की सेल वॉल इनमें एनसीआरटी में कुछ चीजें लिखी है जो आई थिंक शायद आप में से किसी किसी को ना याद हो या ना पता हो या ना ध्यान दिया इतना तो आप सब जानते हो कि पेड़ों में सेल्यूलोज मिलता है सेलवॉल में हेमी सेल्यूलोज मिलता है और पेक्टिन मिलता है अगर सेकेंडरी वॉल मिलेगी तो लिगनिन भी बनेगा बट और इंपॉर्टेंट क्या है ये कितनों को याद है या नहीं है बताओ यस या नो लिख के प्रोटीन भी लिखा हुआ है एनसीआरटी में ये तो अपने को भनक ही नहीं लगती बोले वॉल में काहे के प्रोटीन का काम नाउ एल्गी की सेल वॉल में क्या लिखा है एल्गी भी प्लांट किंगडम में आता है तो सेल्यूलोज तो मिलेगा हेमी सेल्यूलोज मिलेगा पेक्टिन मिलेगा वो सब तो मिलेगा लेकिन गैलेक्टन्स यानी गैलेक्टोज के डेरिवेटिव्स, मैनन्स, यानी मैनोज के डेरिवेटिव्स एंड मिनरल्स लाइक सी ए थ्री कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स लाइक सी ए थ्री कैल्शियम कार्बोनेट ये सब इंपॉर्टेंट है ये वो चीजें जो मुझे आपको बतानी है इसके अलावा पंजाई में सेल्यूलोज तो मिलता ही है काइटिन मैंने फंगस में पढ़ाया था जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है वहां पे काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड करके लिखा है याद है किसी को क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सेलोज हेमी सेल्युलोज वो भी मिलता है डन एवरीबडी आगे बढ़ जाऊं मैं चलो आइए अब हम फटाफट से सेल वॉल बनाना सीख लेते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन करो क्विकली क्विकली जल्दी से लिख लो सब आइए अब आइए सेल वॉल बनाना सीखते हैं अपन अब सेल वॉल कैसे बनेगी बनाओ मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ाने वाली हूं सपोज करिए ये एक सेल है और इसके न्यूक्लियस डिवाइड कर गए ये दो न्यूक्लियस डिवाइड कर गए ए और बी सेल बन गया ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और फिर सेल वॉल थी ठीक है सबसे पहले स्पिंडल फाइबर के कुछ टुकड़े बीच में आ जाते हैं फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं फ्रैगमेंट्स मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी अपने को वन शॉट रिविजन करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस पे फिर गोल्जी बॉडी आ जाती है और गोल्जी बॉडी पेक्टिन जमा करना शुरू करती है पेक्टिन ऐसे पेक्टिन जमा होता जाएगा सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ये पेक्टिन जमा होता जा रहा है ये जमा हो गया ये जमा हो गया ये पूरा ये प्योर पेक्टिन की दीवार बन गई इसे सेल प्लेट बोलते हैं। फिर इसमें कैल्शियम आ जाता है तब इसे लैमेला कहते हैं मिडिल में कैल्शियम पेक्टेट प्लस थोड़ा बहुत मैग्नीशियम पेक्टेट भी हो सकता है ये वॉल नहीं है पर यह दो बगल वाले सेल्स को चिपका के रखती है यानी ग्लू या होल्ड नेबरिंग सेल्स टूगेदर यानी सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं स्टूडेंट दिस इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स अब फ्रूट्स जब पकते हैं फल जब पकते हैं तो यही मिडिल लैमिला घुलती है जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन आता है मिडिल लैमिला डिजॉल्व ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग जिसके कारण से फ्रूट गलता है पकता है यानी सॉफ्ट हो जाता है ये सब क्वेश्चन आते हैं अब होगा क्या गोल्जी बॉडी पेक्टिन सेल्यूलोस हेमी सेल्यूलोज बनाना शुरू करती है तो पहले यहां पे फर्स्ट लेयर डाली जाती है अभी सेल यंग है तो मुझे ऐसा शुगर चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो जैसे पेक्टिन लिग्निन नहीं डाल सकती मैं अभी ये डलता जाता है सेल बड़ा होता जाता है गैप आ जाता है बीच में फिर और डल जाता है मटेरियल फिर सेल बड़ा हो जाता है इसे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल प्राइमरी वॉल बनी है ये ये थिन है पतली है और फ्लेक्सिबल है और ये तब बनी है जब सेल यंग है अभी सेल यंग है तब बनी है सेल ग्रो कर रहा है तभी तो ये फ्लेक्सिबल है इसमें सेल्यूलोर्स है हेमी सेल्यूलोर्स है पर पेक्टिन बहुत ज्यादा है क्योंकि पेक्टिन एक फ्लेक्सिबल शुगर होती है अब सेल पूरा मेच्योर हो गया जब सेल पूरा मेच्योर हो जाएगा स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लिग्निन की दीवार बनाना शुरू होगी इसमें भी सेल्यूलोज है हेमी सेल्यूलोज है बट साथ में लिग्निन बहुत ज्यादा है ताकि अब हमें स्ट्रेंथ चाहिए पहले कड़क नहीं बना सकते थे वरना सेल जब बड़ा होता तो वो टूट जाती तो पहले कड़क नहीं बना सकते थे ठीक है तो ये बनती है इसके बाद में सेकेंडरी वॉल ये सब सेकेंडरी वॉल बन रही है तीन लेयर्स में बनती है मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी एस वन एस टू एस थ्री तो सेकेंडरी वॉल कब बनती है जब सेल मेच्योर हो गया एनसीआरटी लिखती है एज सेल मेच्योर प्राइमरी वॉल डिमिनिशेस वो पतली हो रही है क्योंकि सेकेंडरी वॉल बन रही है एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड सेकेंडरी वॉल फॉर्मड ये हार्ड है थिक है थिक है कड़क है हार्ड है और इसमें लिगनिन शुगर जमा हो गई है ज्यादा मोर लिग्निन ये सेल वॉल को डेड बना देता है ठीक है अब बड़ी मजेदार बात समझिएगा स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब लोग पढ़ रहे हो ठीक है अब एनसीआरटी में एक लाइन लिखिए समझो मुझे बताओ सेकेंडरी वॉल अच्छा इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी यानी सेकेंडरी वॉल सेल में अंदर की तरफ बन रही है इस सेल के अंदर की तरफ बन रही है प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल फिर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही सेम यहां यानी सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्वेश्चन आता है NCRT की लाइन है या हम कहें इनर साइड ऑफ सेल पे बनेगी अंदर की तरफ बनेगी बाहर की तरफ नहीं इज इट वेरी वेरी क्लियर आगे बढ़ जाऊं मैं जल्दी से चलिए आ जाइए सो दिस इज अबाउट सेल वॉल अब ये जो सेकेंडरी वॉल है ये बड़ी कड़क वॉल है अगर मैं कोई चीज यहां से यहां पास करना चाहती हूं तो मुझे यहां गैप देना पड़ेगा इन्हें तो पिट्स कहते हैं और इसमें से ईआर ER के ट्यूब्यूल्स निकलते हैं ऐसे ये निकले ये एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल लेके जाएंगे तो लिग्निन की दीवार तो वहां पे एब्सेंट है पिट्स पर प्राइमरी वॉल और मिडिल को भेदते हुए जाते हैं ये इन्हें प्लाज्मोटा कहते हैं ये पुल है ब्रिज है दो सेल्स के बीच में दिस इज़ साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन या ब्रिज बिटवीन टू बगल बगल वाले एडजेसेंट सेल्स एनसीआरटी क्या लिखती है मिडिल एंड प्राइमरी वॉल आर ट्रेवल्स बाय प्लाज्मो डेस्मेटा बाय दीज सेकेंडरी वॉल लिख देंगे तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी वॉल ऑलरेडी कड़क होती है इतना सबको क्लियर हो गया फटाफट पड़ से आगे बढ़ जाऊं जल्दी से ये वो लाइन से स्टूडेंट जो जनरली मिस हो जाती है मैं वो आपको बता रही हूं ठीक है हॉर्मोन की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं माई डियर स्टूडेंट थैंक यू थैंक यू कोटा डायरीज थैंक यू चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन सो दिस इज अबाउट सेल वॉल अब आ जाओ नेक्स्ट एंडो मेम्बरेन सिस्टम पर अब हम ऑर्गेनेल्स पर आ गए हैं मैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करने वाली हूं इसमें आते हैं लिखो गॉल्जी ई आर गोल्जी बॉडी लाइजोजोम और वैक्यूल्स इन्हें सिस्टम क्यों कह रहे हैं देखो एंडोमेंब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन होगी और इन्हें सिस्टम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड इसीलिए बोलते हैं फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड एनसीईआरटी लिखती है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड पैरऑक्सीजोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दीज हेंस दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अरे वो तीन क्या इनके अलावा कुछ भी है वो इसका सिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है यह असर्च एंड रीजन का फेवरेट क्वेश्चन है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मैं पढ़ा चुकी हूं अहमदी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेना वहां पे बता चुकी हूं मैं चलिए अब हाँ सेकेंडरी वॉल मैच्योर होने पर बनेगी जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा थैंक यू थैंक यू आलोक थैंक यू, यू। चलिए अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले मैं ई आर की बात करती हूँ देखो होता क्या है सपोज करो ये एक सेल था ठीक है चलो बना लो ये सेल है मान लो ठीक है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है

ऐसा हो सकता है यानी टिब्यूलर टिब्यूल्स ये लड्डू जैसा हो सकता है यानी वेसिकल्स या ये ऐसा ऐसा हो सकता है यानी सिस्टरनी इसने क्या किया है ये सिंगल मेम्ब्रेन है सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है इसने इस पूरे सेल के अंदर की जगह को स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है डिवाइड इंट्रा सेल्यूलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट एक कंपार्टमेंट जो इसके अंदर है इसे बोलते हैं इसके ल्यूमन में है ल्यूमिनल पार्ट यानी इनसाइड ईआर जो जगह है और दूसरा जो ल्यूमन के बाहर है यानी साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट यानी साइटोप्लाज्म, पूरा जाल बिछा हुआ है रेटिकुलर है ये स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एनसीआर की लाइंस है सारी की सारी अब ये टू टाइप्स का हो जाएगा अगर इस पर राइबोजोम लगे हैं तो आर ई आर यानी रफ ई आर और नहीं लगे हैं तो एसईआर तो आधार क्या है कि राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं इस बेसिस पे आरई आर और एसई आर इसमें अगर आप गौर से देखो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में आरई आर होता है सो आर ई आर इज कंटिन्यूस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी बाहर वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाउ आर ई आर क्योंकि राइबोसोम है और राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है तो इसे बोलते हैं इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन एक ही बात होती है जहां पे भी जिस भी सेल में प्रोटीन बनना है हॉर्मोन्स बनने है, प्रोटीन वाले एंजाइम्स बनने हैं उन सब जगह पे सेल के अंदर आर आर बहुत सारी मिलेगी और जहां पे भी लिपिड बनना है या स्टेरॉइड्स बनने हैं जैसे टेस्ट ओवरी एड्रीनल कॉटेक्स जहां पे भी स्टेरॉइड्स बनने हैं वहां पर एस ई आर मिलेगी फैट्स बनने एस मिलेगी लिवर के एस डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं आर ई आर ये होती है स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियर में टूट जाती है डिसअपियर होती है सेल डिविजन के टाइम उसको रीफॉर्म करवाती है आर ई आर सो गेनाइजेशन रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्हीं से दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इज इट वेरी वेरी क्लियर अर्थवम फ्रॉग अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब मत पढ़ो आप सिलेबस में तो नहीं है बट हां एनिमल किंगडम करके क्वेश्चन आ जाते हैं 2017 में फ्रॉग में चार क्वेश्चन आए थे उसके बाद से तो हालांकि नहीं आया है चलिए डन अब आ जाओ गोल्जी बॉडी की बात करते हैं गोल्जी बॉडी जो है वो जो जो लाइंस बोल रही हूँ ना लिख नहीं रही हूँ टाइम सेव करने के लिए एनसीआर की लाइंस है ये डेंसली स्टेन्ड है हमेशा न्यूक्लियस के पास मिलती है गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी में भी इस तरह के सिस्टर्नी बने हुए हैं ऐसे बनाओ मेरे साथ ये ऐसे इसकी यूनिट है सिस्टर्नी लाइक like दिस ये पूरी है गोल्जी बॉडी जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने कैमिलो गोल्जी ने इनका ईयर पूछा जाता है 1898 में दो साल कम बचे थे उन्नीस सौ आने में डेंस स्टेंड है न्यूक्लियस के पास होती है और इसकी यूनिट है सिस्टर्नी और ये जो सिस्टर्नी है इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स आधा से एक माइक्रॉन ऐसे याद रखेंगे अपन आधे से एक माइक्रॉन बहुत सारी है मेनी पैरलली अरेन्ज है स्टैक टूगेदर है मैं लिख नहीं रही हूं पर यहां पर बता रही हूं ठीक है अब इसमें दो फेजेस होते हैं ध्यान से समझना ये हमेशा कहां मिलेगी वो भी समझ आएगा इसमें क्या होता है आर ई आर में जो प्रोटीन बना वो इसमें चला गया एसीआर में जो लिपिड बना वो इसमें चला गया यानी ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ईआर हमेशा ई ER आर के आसपास होगी न्यूक्लियस के भी पास में होती है ई ER आर के भी पास में होती है तभी तो फंक्शन कोऑर्डिनेट हो रहे हैं अब ये उनमें मॉडिफिकेशन कर सकती है जैसे अगर शुगर जोड़ना है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन बनाने वो काम यही करेगी और उसके बाद उन थैलियों को ये बाहर निकाल देगी और जहां जहां जरूरत है सेल के अंदर या सेल के बाहर वो थैलिया वो पैकेट्स चले जाएंगे यानी यानी बॉडी जो है है इसका मेन काम होता है, पी -पी -टी, पैकेजिंग करी इसने पैकेट्स बनाती है ये प्रोटीन लिपिड बन आरी आर एसी आर एसीआर में रहा है पर पैकेजिंग यहां हो रहा है प्रोसेसिंग करती है अगर थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना है और फिर ट्रांसपोर्ट करती है तो पावर पॉइंट नहीं पीटी पैकेजिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टी की लाइन है इसका जहां से मटेरियल अंदर जा रहा है और एक ये है, जहां से थैलियां बाहर निकल रही हैं। तो इसे कहते हैं सिस फेस, इसे कहते हैं ट्रांस फेस ये कॉन्वेक्स है देखो कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है यहां मटेरियल आएगा बनेगी पैकेट्स, यानी फॉर्मिंग फेस है यहां से फाइनली निकलेंगे ये फेस फेस, है, फेस. तो दो फेस हो गए सिस्ट या ट्रांस फेस दोनों फेस बिल्कुल अलग अलग हैं, ये इधर है ये इधर है पर इंटरकनेक्टेड तो होगा ना तभी तो मटेरियल यहां से यहां जाएगा सो बोथ एंटायरली डिफरेंट एनसीआरटी की लाइन सिखा रही हूं आपको बट इंटर कनेक्टेड बट इंटर कनेक्टेड देखा आपने कैसे ई ER और गोल्जी बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ठीक है इज इट वेरी वेरी क्लियर चलिए स्टूडेंट्स जिसको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है वो यहां रहो जिसको इधर उधर की बात करनी है ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया कुछ भी उल्टा सीधा एग्जिट कर जाओ लाइव एग्जिट कर दो बेटा अपना टाइम मत वेस्ट करो अब बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम वी हैव टाइम चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपने अब ये जो थैलियां निकल रही है ना इन्हीं में से जिस थैली के अंदर जिस थैली के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होंगे उस थैली को लाइजोजोम कहेंगे चलो आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं अब मैं गोलजी के कुछ फंक्शंस और पढ़ा रही हूं आपको ठीक है एनसीआर में नहीं दिए हैं पर इंपॉर्टेंट है चलो कुछ दिए कुछ नहीं भी दिए लिखो मेरे साथ गैस वी गैस का मतलब गैस वी जी से है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन ये सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडी कर सकती है क्योंकि इसके पास एंजाइम होता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो और किसी के भी पास में नहीं होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ए से याद है आपको स्पर्म के अंदर पढ़ाया होगा एक्रोसोम टोपी मिलती है एक्रोसोम वो एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी ही होती है सो so, एक्रोसोम नाउ से है सिक्रीशन यानी ये पैकेट्स को सिक्रीट कर रही है सिक्रीशन ये वर्ड एनसीआरटी में भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में नाउ वी से भले ही मत याद रखना विटैलोजेस यानी योक यही बनवाती है जो चिड़िया के अंडे में योक बनता है वो यही बनवाती है नाउ एल इसी के पैकेट्स जो निकलेंगे उन्हीं में से कुछ पैकेट्स को लाइजोजोम कहेंगे सो so, लाइजोजोम फॉर्मेशन अभी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है राइट right? नाउ सी से मतलब अभी अभी मैंने जब सेल वॉल पढ़ाई थी मैंने कहा था गोलजी आके बैठती है वही सेल्यूलोस हेमी सेल्यूलोस पेक्टिन बनाती है यानी सेल वॉल सिंथेसिस में इसका रोल होगा इवन मिडिल लैमेला सिंथेसिस में रोल होगा पेक्टिन यही बनाएगी नाउ इस सी का मतलब है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है यानी सेल वॉल बननी है तब भी इसी का रोल है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एनिमल नहीं प्लांट सेल्स So, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विटालोजेनेसिस भले ही भूल जाइए डन आगे बढ़ जाऊं जल्दी से चलिए आइए स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं इजोजोम पे तो ईआर ER और गोलजी क्लोजली रिलेटेड है ई ER आर का मटेरियल जो बन रहा है वो गोलजी में जाके थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो रहा है और मॉडिफाई होकर पैकेट बनकर सेल या सेल के बाहर दिया जा रहा है एक बात ध्यान रखना एक बार ई ER आर पे क्वेश्चन आया था अभी दो तीन साल पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर ई आर और उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि ग्लाइकोसाइलेशन इन ई आर यानी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको प्रोटीन बनता है स्टूडेंट्स वो सही था क्यों सही था वैसे तो मेन इसमें इस बनता है पर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग शुरू हो सकती है ईआर में पर वहां एक ऑप्शन था लिपिड सिंथेसिस आरईआर के बारे में पूछ रहे थे तो पक्का लिपिड सिंथेसिस तो आरईआर में नहीं होता तो वो इनकरेक्ट था इज इट वेरी वेरी क्लियर थैंक यू थैंक यू शाहिनूर थैंक यू चलिए अब आ जाओ फटाफट से लाइसोसोम पढ़ लेते हैं अपन लाइसोसोम जो है ये क्रिस्टियन डी डवे साइंटिस्ट ने खोजा था राइट और ये बेसिकली क्या है ये कैसी थैली है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है अब इससे मेरा क्या मतलब है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको डाइजेशन में सिखाया होगा लाइसिस मतलब तोड़ना हाइड्रो मतलब पानी के लगने से जो बॉन्ड टूटता है जब भी आपको बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया होगा जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ईस्टर बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है कोई भी बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है यानी जब बॉन्ड तोड़ना है तो पानी ऐड करना पड़ेगा तो पानी ऐड करके और मॉलिक्यूल्स को तोड़ना उसे हाइड्रोलाइटिक कहते हैं ये सारे एंजाइम्स एसिडिक पी पे काम करते हैं फोर टू फाइव यानी इन्हें कहते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस डाइजेस्ट करवाएंगे सारे बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करवाएंगे यानी लाइजोजोम के अंदर एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएटेड होना चाहिए और इसीलिए लाइजोजोम की मेम्ब्रेन पे प्रोटॉन पंप्स मिलते हैं प्रोटॉन पंप्स जो लगातार इसके अंदर एच आयन पंप करते रहते हैं और एच आयन यानी एसिडिटी मेंटेन रहती है अब एक पॉइंट जो नहीं देते हैं लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइजोजोम पॉलीमॉर्फिक है ऑर्गेनेल पॉलीमोर्फिक अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट समझिएगा यह क्वेश्चन आया है अब भी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट करके पूछा था लाइजोजोम के बारे में ये करेक्ट है पॉली मतलब बहुत सारे मॉर्फोलॉजी मतलब रूप अभी नया नया लाइजोजोम बनाए उसके अंदर एंजाइम तो है पर इनएक्टिव है ये प्राइमरी लाइजोजोम है थोड़ी देर बाद इसको खाना मिला इसे डाइजेस्ट करना एंजाइम्स एक्टिव हुआ, इसे सेकेंडरी कहेंगे, फिर इसने खा, में आ तो पूरे सेल को ही खत्म कर दिया क्योंकि सेल भी किसका बना है हर चीज किसकी बनी है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पैट न्यूक्लिक एसिड की यानी ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल है आत्मघाती थैली है ये अगर ये फट गई तो सेल की आत्महत्या हो जाएगी ये सारे क्वेश्चन आते हैं यानी आपने देख लिया कि ई आर बॉडी और लाइजोजोम आपस में कनेक्टेड है अब वैक्यूल कैसे कनेक्टेड है जो भी वेस्ट बनेगा ना इन सब से जो भी बचा कुचा वो सब वैक्यूल के अंदर ठूसा जाएगा तो आइए अब हम वैक्यूल देख लेते हैं चलिए छोड़ दीजिए स्टूडेंट बिल्कुल आप ध्यान मत दो पांचाल अजीत आप यहां पे अपनी पढ़ाई करो ठीक है आप बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो और छोड़ो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं अपन और अब अपन आ जाते हैं फटाफट से वैक्यूल पे अब वैक्यूल तीन तरह के होते हैं यू कैरियॉर्ड्स में प्रो कैरियॉर्ड्स में तो गैस वैक्यूल भी था पहला फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल कैसे बनता है भाई बड़ा सिंपल है इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है प्रोटेस्ट के अंदर प्रोटेस्ट मतलब कोई भी प्रोटेस्टा अमीबा ट्रिपेनोसोमा लिश्मानिया प्रोटेस्टा जो भी पढ़ा है एक सेल सिंगल सेल की बॉडी है खाना अंदर आया थैली बनी वो थैली लाइजोजोम के साथ जाके जुड़ी लाइजोजोम के एंजाइम्स ने इस खाने को डाइजेस्ट करा यानी ये बनता है बाय इंजेशन ऑफ फूड उससे जो थैलियां बनती हैं एग्जाम्पल आना चाहिए स्टूडेंट एनसीआरटी में लिखा हुआ है ना दूसरा एग्जाम्पल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहां एनसीआरटी में अमीबा एग्जाम्पल दिया है अमीबा भी एक प्रोटेस्टा है यह फ्रेश वाटर वाला है इसमें क्या होता है पानी अंदर आ रहा है ज्यादा पानी अंदर आएगा ये फूलेंगे और फट जाएंगे क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं इनके पास पर इनपे ऐसी थैलियां हैं पानी अंदर आया उस थैली में घुस गया वो थैली मेम्ब्रेन के पास जाके पिचक गई कॉन्ट्रैक्ट कर गई पानी फिर बाहर चला गया यानी हम वाटर के बैलेंस को कर रहे हैं यानी इसका रोल ऑस्मो रेगुलेशन में होता है ये फ्रेश वाटर वालों में मिलता है क्योंकि फ्रेश वाटर में बाहर पानी ज्यादा है पानी अंदर घुसता है इज इट क्लियर ताबिश कह रही है मैम माई बायोलॉजी इज नाउ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग जब आप पढ़ाते हो सब लर्न हो जाता है थैंक यू थैंक यू माई डियर थैंक यू ताबिश बस यही मेरा जो एड्रेनलिन रश है ये जो आप लिखते हो ना कि आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है आपको सब्जेक्ट से प्रेम हो रहा है आपको मजे आ रहे हैं पढ़ने में ये चीज अगर आ गई ना तो बस फिर तो नंबरों की बरसात अपने आप होगी चलो अब तीसरा आता है सैप वैक्यूल ये पेड़ों में पाया जाएगा एनिमल्स में नहीं मिलेगा ओनली इन प्लांट्स अब सैप वैक्यूल बहुत बड़ा होता है पूरी 90 परसेंट वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करता है 90 परसेंट वॉल्यूम ऑफ सेल

सब भर दिया इसके अंदर दिया ठीक है है्यूमन uh, फिजियोलॉजी आपको यहां पे ज़ुलॉजी में छवि डियर स्टूडेंट्स कंपटीशन वाला में ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स मैं लूंगी चलो अब इसके अलावा अ, ये जो महारिविजन सीरीज जो शुरू होगी उसमें अब इसकी जो मेमब्रेन है इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट ये भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है सिंगल मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल है ये सारे पॉइंट सेम हैं तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट ध्यान से सुनो वैक्यूल ऑर्गेनेल नहीं माना जाता एनसीईआरटी भी लिखती है कि वैक्यूल का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ऑर्गेनेल नहीं मानते क्यों मेम्ब्रेन तो लिविंग है पर अंदर सब डेड है तो इसे स्पेस मानते हैं इसे ऑर्गेनेल नहीं मानते बात ध्यान रखना ठीक है क्लियर है चलो अब आ, क्या काम है इसका देखो जब पानी अंदर घुस रहा है अंदर गया ये फूला तो प्रेशर पड़ा तो पूरा सेल फूल के रहता है यानी इसका काम है प्रोवाइड टर्जीडिटी टू सेल टर्जीडिटी चूस है फुला के रखता है इसके अलावा स्टूडेंट इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं एंथोसाइन वो इसे कलर भी देते हैं तो फ्लावर्स वगैरह में कलर के भी काम आता है ये ठीक है इज इट वेरी वेरी क्लियर ठीक है आप डॉक्टर हो इसीलिए मैंने बोला आ, आ, नहीं मुबारक मैम ने भी बहुत अच्छी पढ़ाई है आप वहाँ पे पढ़ लीजिए कंपटीशन वाला में बॉटनी तो यहाँ पढ़ा रही हूँ धनंजय पूरी तो बॉटनी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे तो फुल बॉटनी मैं ले रही हूँ तो फिर फिर पढ़ लो आप आपको क्या करना है चैनल से क्या फर्क पड़ता है आपको तो टीचर से मतलब है पढ़ने से मतलब है है ना चल अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रही हूं ध्यान से सुनना देखो यहां ऑलरेडी वेस्ट भरा है पर मैं चाहती हूं यहां लगातार वेस्ट आता रहे ताकि ये फूला हुआ रहे यानी यहां तो लो कंसंट्रेशन है वेस्ट का ठीक है जो भी सैप है और यहां ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन है मैं फिर भी चाहती हूं कि वो अंदर आता रहे यानी एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव एटीपी खर्च करनी पड़ेगी तो एनसीआरटी की लाइन है कि टोनोप्लास एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा आयन वेस्ट सबको फ्रॉम साइटोप्लाजम इनटू वैक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी इनका अमाउंट साइटोप्लाजम में लो है और वैक्यूल में ज्यादा है इज दट वेरी वेरी क्लियर माई डयर स्टूडेंट थैंक यू थैंक यू इट्स डी आई होप मेरे पेशेंट्स भी ऐसे ही सोचते हैं कि मैं अच्छी डॉक्टर हूं ठीक है अजय जैसे जैसे बैचेस अनाउंस होंगे आप लोगों को फैकल्टीज अनाउंस होती जाएंगी तो जो भी बैच में मैं रहूंगी वो ऑफकोर्स आपको जब बैच अनाउंस होगा तो पता चल जाएगा राइट चलिए तो टोनोप्लास्ट सेमी परमिएबल सिंगल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल को अंदर इकट्ठा करती रहेगी ताकि ये फूला हुआ रखे सेल को चलिए आगे बढ़ जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 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 यू माय डियर स्टूडेंट इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए जिसको इतना क्लियर एक बार यस या थम्स अप कर दो तो हमने अगर देख लिया कि ईआर आर की बात गई गोल्जी की बात गई लाइजोजोम की बात गई और वैक्योल की बात हो गई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो गए हैं अब आइए आगे बढ़ते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं आ जाओ चलो अब आ जाओ माइटोग्रिया पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन यानी दोनों मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्लाज्मा की तरह होंगी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मस्त तरीके से आपको सिखाऊंगी अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर शेप वैरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इवन क्लोरोप्लास्ट का भी शेप वगैरह वैरी करता है जैसे आ, में एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल के अंदर जबकि जो मीजोफिल सेल है लीफ का उसमें बीस से चालीस होते हैं तो इन सब के नंबर अलग अलग होते हैं किस बात पे डिपेंड करेगा ये ये डिपेंड करेगा उसकी फंक्शनिंग पे भाई जितना ज़्यादा काम करना है जितना एक्टिव सेल है उतने ज़्यादा ए बनानी है तो उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे यानी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यही है हम जानते हैं यहीं पे लिंक रिएक्शन क्रेब रेस्पिरेशन में मस्त तरीके से पढ़ाऊंगी यानी ये पावर हाउस ऑफ द सेल है यहीं पावर क्रिएट होगी यानी यहीं पर एटीपी बनेगी एटीपी सिंथेसिस यहीं पर होगा स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए आइए सब लोग तैयार हो एक बार फटाफट फड़ से मुझे यस भेज दीजिए फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं एवरीबडी कम ऑन आप लोग भी पानी पी लीजिए अगर पीना है थैंक यू थैंक यू प्रिया आप बहुत कूल हो थैंक यू माइटोकॉन्ड्रियॉन सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है नहीं राजी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एक पे एक टीचर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे हर जगह बहुत अच्छे टीचर्स हैं चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं एक अलग पेज ले लू ना अच्छे से बनाते हैं बड़ा सा चलो सबसे पहले मैंने इसमें आउटर मेम्ब्रेन बनाई बना लो मेरे साथ आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन पूरी कंटिन्यूस है बीच में कोई छेद वेद नहीं है और ये लिमिट करेगी इसके बाहर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसे कहते हैं लिखो मेरे साथ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री एनसीआर के शब्द सिखा रही हूं आपको एक एक वर्ड आना चाहिए स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अब मेरी तारीफें करना बंद करो और सब लोग यहां अब अंदर वाली मेम्रेन जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड करती है जैसे मीजोजोम्स थे ना कुछ वैसा ये क्यों कर रही है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए देखो पहले इतनी होती और इतने ही एरिए में ऐसी है तो कितने बड़ी होगी जब आप खोलोगे तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है यह है इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर उंगली जैसा जो हमने बनाया है सिंगुलर क्रिस्टा प्लूरल हो गई क्रिस्टी तो क्रिस्टी क्या है यह है इन फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल ये क्या कर रहे हैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं क्यों क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है एंजाइम मिलने वाला है और ऑक्सीजोम्स ऑक्सीजोम पार्टिकल्स मिलने वाले हैं ये सब अभी आपको अगर कालाक्षर भैंस बराबर लग रहा है तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगी आपको ठीक है आगे बढ़ जाए अपन ठीक है डन एवरीबडी चलो अब ये पूरा जो भी भरा हुआ है अंदर इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसे ही अपन स्ट्रोमा बोलेंगे एम से मैट्रिक्स और एम से माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स मिलता है अगर आप गौर से देखो इन दो मेंब्रेन के कारण से दो कंपार्टमेंट बन गए एक तो ये कंपार्टमेंट और एक ये कंपार्टमेंट ये जो कंपार्टमेंट है दो मेंब्रेन के बीच में है तो इसे इंटर मेंब्रेन स्पेस या Peri, में है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं लिक्विड भरा हुआ है और मैट्रिक्स जो है ये इनर कंपार्टमेंट हो गया या इनर चेम्बर हो गया इनर कंपार्टमेंट चिपचिपा जेली जैसा फ्लूड भरा है और ये आउटर चेंबर या आउटर कंपार्टमेंट हो गया यानी दोनों मेंब्रेन ने एनसीआर की लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट बना दिए एक ये मेंब्रेन है एक ये मेंब्रेन है तो एक ये कंपार्टमेंट बन गया बाहर का एक ये कंपार्टमेंट बन गया अंदर का अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है जो बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए जैसा है यानी एक ही है सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए की तरह डीएनए है इसी मैट्रिक्स के अंदर है ये मैट्रिक्स के अंदर अब डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनेंगे तो थोड़े थोड़े आरएनए भी पड़े हुए दिखते हैं फ्यू आर और फिर आर से प्रोटीन बनेगा यानी यहां पे राइबोसोम्स भी मिलते हैं वो भी बिल्कुल बैक्टीरिया जैसे हैं यानी सेवेंटी एस राइबोजोम्स यानी अगर आप गौर से देखें तो मैट्रिक्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बैक्टीरिया ही है बैक्टीरिया जैसा डीएनए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन और बाकी जो भी प्रोटीन बनने के लिए चाहिए यानी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी वो सब कुछ यहां पर मिलेगी सब कुछ मैट्रिक्स में मिल रहा है मैट्रिक्स के अंदर ये सब मिल रहा है मैट्रिक्स में डन पहले ऐसा मानते थे कि इस सेल ने एक बैक्टीरिया खाया होगा लुलर रहा होगा ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया ने अपने आप को मॉडिफाई करके और माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया यानी इसके पास खुद का डीएनए खुद के जीन्स हैं ये खुद का आरएनए बना सकता है खुद के प्रोटीन बना सकता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड भी कर सकता है स्टूडेंट्स आइए यहां लिख देती हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह अब इस बात का मतलब समझो यानी इस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं है बाकी सारे ऑर्गेनिज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है न्यूक्लियस में डीएनए उससे आर एन ए उससे प्रोटीन एंजाइम्स बनेंगे वो बताएंगे कब किसको क्या काम करना है पर ये अपने मन का खुद राजा है पर पूरा राजा नहीं है आउटर मेम्ब्रेन बनाने के लिए इसे न्यूक्लियस वाले डीएनए की आर एन ए की जरूरत पड़ती है यानी ये सेमी ऑटोनॉमस है ना पूरा प्राइवेट कॉलेज है ना पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है कुछ रूल्स गवर्नमेंट के कुछ रूल्स अपने खुद के अच्छे से समझ में आ गया यस वेरी गुड वेरी गुड यस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी वो तो अलग कहानी हो गई यार, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया ठीक है अब इस मैट्रिक्स में और क्या होता है मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स एंजाइम्स मिलते हैं हमें किसके लिंक रिएक्शन के और साइकिल के एंजाइम्स मिलते हैं क्रेब साइकिल एंजाइम्स मैं पूरी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ाऊंगी यहां पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा और यहां तो ढेर सारे एंजाइम्स आएंगे एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्योंकि अभी अभी पढ़ा कि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर मिलता है, है साइकिल का एंजाइम नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ठीक है अच्छे से समझ में आ गया सबको इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाएगा कैसे बनाएगा हम respiration में मस्त तरीके से से सिखाऊंगी आपको करेगा करेगा दोनों हैं है क्रिस्टी है, matrix है खुद का DNA, RNA, प्रोटीन, वो सब कुछ बनेगा एनसीआरटी की एक और लाइन है कि दोनों membrane पे खुद के अपने अपने हैं अपना अपना काम है ठीक है डन आगे बढ़ जाए चलो अब आ जाओ प्लास्टिड पे प्लास्टिड सो so, ये हो गया नाउ प्लास्टिड प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस है प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए आरएनए सब कुछ होगा बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है नाउ प्लास्टिड्स थ्री टाइप्स के हैं लिखो मेरे साथ थ्री टाइप्स किस आधार पे पिगमेंट के आधार पे अगर पिगमेंट है ही नहीं व्हाइट कलरलेस तो उसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का मतलब नो पिगमेंट कलरलेस प्लास्टेड फिर ये क्या काम आएंगे पिगमेंट तो है ही नहीं ये क्या काम आते हैं स्टूडेंट्स ये खाना इकट्ठा कर लेते हैं स्टोर न्यूट्रिएंट्स या स्टोर फूड ये तीन तरह के होंगे आइए समझिएगा अगर इन्होंने मस्त तरीके से स्टार्च स्टोर किया स्टार्च के लिए अमाइलो वर्ड यूज करते हैं जैसे स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी बोलते हैं तो अमाइलो प्लास्ट बोलेंगे ये स्टार्च स्टोर करेगा जैसे आलू गेहूं चावल इनके सेल्स के अंदर ये वाले प्लास्टिड ज्यादा मिलेंगे लेकिन अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं याद है मक्के में एल्यूरोन लेयर होती है प्रोटीन वाली तो उसे अल्यूरोप्लास्ट बोलेंगे नीट के फेवरेट क्वेश्चन है ये तो प्रोटीन स्टोर होगा जैसे जितनी भी मक्का है दालें हैं राजमा छोले जिनमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है उनके सेल्स में ये मिलेंगे और अगर फैट स्टोर करेंगे मैं याद रखती तो हूँ, इलायची मुँह में खाते तो तेल तेल हो जाता है तो इलायोप्लास्ट कहेंगे दे स्टोर फैट्स जैसे सरसों में अरंडी में सनफ्लावर में मूंगफली में इनके जो सेल्स हैं उसमें होगा येस सेट ओ सक्सेस आई विल टीच इन महा रिविज़न सीरीज महा रिविज़न सीरीज कॉम्पिटिशन वाला पे आज से शुरू हो गई है नेक्स्ट वीक मेरी भी क्लास आएगी कुछ ज़ुलॉजी के और कुछ बॉटनी के चैप्टर्स में उसमें लूँगी डन चल बॉटनी तो यहाँ से पढ़ो यहाँ फुल डिटेल में अपन पढ़ी रहे हैं ना जोलॉजी आप यहाँ पढ़ रहे हो मैम से प्लीज़ मेरी आपसे सलाह है कि अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल वीक है तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो ये तो करना ही है जो अपन कर रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा हो रही है इसीलिए उसमें फटाफट फटाफट डेढ़ से दो घंटे में चैप्टर को खत्म करेंगे इस सीरीज को मत छोड़ना क्योंकि ये बेसिक से हम पूरा लेकर जा रहे हैं आपको भले ही तीन साढ़े तीन घंटे लगते हैं पर चैप्टर बिल्कुल बेसिक से अपने हाथ में होता है तो वो एडेड ऑन आप कर सकते हो अगर आप चाहो बिल्कुल करना है वो भी करना है उसको क्विक रिविजन फास्ट रिविजन की तरह यूज कर सकते हो पर इसके लेक्चर्स तो जरूर देखने ही देखने हैं ठीक है चलिए अब अगर उसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन तो ये ग्रीन कलर के होंगे ग्रीन कलर्ड और ग्रीन कलर्ड क्यों है क्योंकि इनपे क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल क्या करेगा सनलाइट को पकड़ेगा और सनलाइट को पकड़ के क्या करेगा खाना बनाएगा किचन ऑफ द है माई डियर स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस करेगा अगर कलर्ड पिगमेंट्स हैं कलर्ड के लिए क्रोमो वर्ड यूज करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूं रॉय से याद रखना एनसीआरटी की लाइन है क्योंकि रेड ऑरेंज येलो कलर्स वगैरह देते हैं ये रॉय अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं क्लोरोप्लास्ट में केवल क्लोरोफिल है और कैरोटिनॉइड जैंथोफिल में ये गलत है दोनों में सब कुछ होता है पर इसमें क्लोरोप्लाफिल ज्यादा और लिटिल कैरोटिनॉइड जैंथोफिल है और इसमें कैरोटिनॉइड जैंथोफिल ज्यादा और लिटिल क्लोरोफिल है ये अलग अलग कलर्स दे रहे हैं अलग अलग कलर्स इससे क्या होगा फूल कलरफुल बनेंगे तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे यानी पॉलिनेशन में हेल्प होगी और जब फ्रूट बन जाएगा फ्रूट कलरफुल होगा तो जानवर उसको अट्रैक्ट होकर खाने आएंगे तो बीज उनके कहीं फंस जाएगा वो जानवर दूर जाएगा बीज वहां गिरेगा तो वहां पेड़ बनेगा यानी सीड इधर उधर पहुंचेगी सीड डिस्पर्जल ये सब अट्रैक्ट करने के लिए है या फूल अट्रैक्ट होंगे या फल को अट्रैक्शन होगा इज इट वेरी क्लियर ये स्टूडेंट्स वो सीरीज भी फ्री है यूट्यूब पर लाइव चलेगी कोई भी स्टूडेंट देख सकता है उसे ठीक है चलो हो गया क्लियर अच्छे से अब आइए हम क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाते हैं ये सीरीज जो है नीटूज नहीं छोड़ना है इसमें डिटेल में पढ़ा रहे हैं तीन साढ़े तीन घंटे में बट चैप्टर को बेसिक से उठाएंगे वो सीरीज क्विक रिवीजन महा रिवीजन उसका नाम ही है फाइनल रिवीजन में यूज करना है आप दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है इसीलिए उसका टाइम भी जो है वो सुबह का रखा गया है साढ़े से दस और साढ़े से बारह दो क्लासेस डेली होंगी राइट right? और ये फिर आपकी दो बजे से और छह बजे से इस समय तो जी जान लगा दो फोड़ दो जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो चलो आ जाओ अब अपन क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट चलिए क्लोरोप्लास्ट में लेंस शेप्ड ओवल शेप स्फेरिकल शेप डिस्क शेप रिबन शेप कैसा भी हो सकता है रिबन शेप मैंने स्पाइरो में पढ़ाया ये लाइन सब पढ़ा चुकी हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कप शेप्ड का मैंने क्लोर क्लेमाइडो में पढ़ाया था याद आ रहा है सबको ठीक है ज इट वेरी वेरी क्लियर चलिए हा कोई बिल्कुल एक पढ़ लो पर अच्छे से पढ़ लो जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो देखो सबकी डिमांड अलग अलग होती है ना उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करना है ऐसा नहीं आप सब कुछ पढ़ो आपको जहां पे जो लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा हम सारे टीचर्स का यही उद्देश्य है कि हम आपको आपके डॉक्टर बनने के सपने के करीब लेकर जाए उसमें मदद कर सके आपको जहां लगता है जिस चीज में हेल्प होगी वो करिए आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए अपने आप से ईमानदार रहिए जिस टीचर से जो टॉपिक पढ़ना है उससे वो पढ़ लो बट इंपॉर्टेंट है कि जहां भी एक चीज चूज कर रहे हो उसको रेगुलरली करना ऐसा नहीं आज यहां कल वहां एक टप्पा एक टप्पा एक क्लास एक क्लास उससे कुछ भी नहीं होगा कंसिस्टेंसी इज इज द की इट वेरी वेरी क्लियर डियर स्टूडेंट चलो सब लोग एंस... अच्छा अरे कैसे भूल गई मैं यार ये तो कैसे काम चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज जरूर लिखो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई और चौड़ाई एनसीआरटी में दी हुई है लिखिए बहुत इजी है One से माइक्रॉन इसकी लेंथ है और क्लोरोप्लास्ट जो है यही लिख देती हूं इसकी पांच से दस माइक्रोन है तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है अपने को एक से चार चार के बाद पांच आता है पांच से दस कैसे याद रखोगे एक से चार चार के बाद पांच आता है पांच से दस एक से चार पांच से दस यानी सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है डन थैंक यू थैंक यू खुशी थैंक यू सैयद थैंक यू थैंक यू श्रवण चलो अब आ जाओ क्लोरोप्लास्ट का व्यथ भी दिया हुआ है सो पांच से दस और इसको लिखो दो से चार ये तो हो गया साइज अब क्लोरोप्लास्ट का नंबर लिखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लामाइडोमोनाज ऐसा सिखाया था ना आपको अब प्रोटेस्टा में रखते हैं वैसे सिंगल सेल ग्रीन एल्गी कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है एक सेल का ऑर्गेनिज्म है उसमें एक क्लोरोप्लास्ट है लिखो सब वन पर सेल क्लमाइडोमोनाज एक, एक सेल का बना है उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट है प्लीज लिखिए इसको क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन ये ग्रीन एल्गा है और 20 से 40 इन सेल लिखो 20 से 40 इन मीजोफिल सेल मीजो सेल एनाटमी पूरी पढ़ा चुकी हूं पत्ती का जो मीजोफिल सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर की बात कर रहे हैं देखो एक ट्रिक से याद कराती हूं बहुत हेल्प करेंगी छोटी छोटी चीजें अनिल कपूर का गाना है ना वन टू का फोर ओ टू का वन माई नेम इज लखन ये देखो वन टू का फोर वन टू का फोर वन टू फोर और इसको ट्वेंटी फोर्टी कर दिया डन स्टेन्स मत याद रखो हार्ड टचिंग बिल्कुल नहीं बिल्कुल स्टेन्स मत करिए पांचालजीत स्टेंस छोड़ दो वो सब पहले पूछा जाता था प्लांट फिजियोलॉजी बस सेल साइकिल सेल डिवीजन उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगी अपनी इसी सीरीज के अंदर चलिए आइए क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स आ आ आ जाओ 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 फटाफट 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 मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बोलिए बोलिए जल्दी से मजे आ रहे हैं तो तो एक एक बार एक यस या थम्स अप ठोक दो तो मेरे को भी बढ़िया से एक पुश मिल जाएगा चलिए क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है सो so, ये आउटर मेमब्रेन ये इनर मेमब्रेन ये डायग्राम याद रखना आप माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में काम आएगा क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम आएगा सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पर यहां पर आप देखो इनर मेम्ब्रेन में कोई इन क्रिस्टी वगैरह नहीं है यहां पे भी दो चेम्बर्स बन गए एक आउटर एक इनर वहां इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा था यहां इसे पेरी प्लास्टीडियल स्पेस कह देते हैं नाउ वहां इसे मैट्रिक्स कहा था यहां इसे स्ट्रोमा कह देते हैं स्ट्रोमा नाउ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट समझिएगा क्वेश्चन ये आता है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से मोर परमीएबल कौन है इस बात को समझो एक्चुअली आउटर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है जिसमें प्रोटीन्स हैं इनर मेम्ब्रेन भी वैसी है तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके प्रोटीन्स में बड़े बड़े छेद होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं सो दिस इज मोर परमीएबल एनसीआरटी में दिया है कि इनर मेम्रेन लेस परमीएबल है यानी आउटर मेमब्रेन मोर परमीएबल है ठीक है इज इट वेरी वेरी क्लियर चलो आगे बढ़ जाए अपन अब प्रोटीन तो राइबोसोम बनाएगा ना आरई आर राइबोजोम यह सब प्रोटीन बनाएंगे चलिए अब ये चैनल कब लॉन्च हुआ कौन सा चैनल भाई ये सब छोड़ो कब लॉन्च हुआ बहुत पहले लॉन्च हो चुका है आप इस चैनल पे अभी लॉन्च हुआ अगर आपको मजे आ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ो देखो एक ही चीज दिमाग में रखो अपना फायदा अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई कहां पर हो रही है कहां से अपने को समझ में आ रहा है बस वो अपने को करना है ठीक है चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डर में हटा दूंगी डोंट वरी अमीन तबीश अमीन मेरी जिम्मेदारी है नाउ, स्ट्रोमा में भी वही सब मिलेगा ये डीएनए मिलेगा सेवेंटी एस वाले राइबोसोम्स मिलेंगे चलो लिख लेती हूँ फटाफट से बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा माइटोकॉन्ड्रिया जैसा वही सेम सेवेंटी एस राइबोजोम्स लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे भी कुछ आरएनए भी मिल जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी वो सब एंजाइम्स भी मिलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के मशीनरी एंजाइम्स वो सब भी मिलेंगे क्योंकि डीएनए डीएनए से आरएनए आरएनए से प्रोटीन तो बनाना है ना हाँ बिल्कुल मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था ना वेरी गुड वेरी गुड इस सीरीज में सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे डोंट अभी तक समझ आ रहा है ये बताओ अभी तक समझ में आ रहा है अगर तो बस फिर आगे भी समझ आएगा बिकॉज ऑफ यू माई बायोलॉजी इज़ आप जब पढ़ाते हो लर्न हो जाता है लोगों के इस प्रेम के कारण से है चलो अब इसमें क्या होता है इनर मेम्ब्रेन पिंच होकर अंदर आती है तो कुछ तो ऐसे थैले बनते हैं थैले बनाओ ये फोटोसिंथेसिस में काम आएगा तब पूछूंगी आपसे बताओ मैंने क्या पढ़ाया था ये ये बन रहा है ठीक है और कुछ ऐसे रहते हैं ऐसे ऐसे इन्हें बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली स्ट्रोमल लैमिली मेम्ब्रेन से ही बना है ये मेम्ब्रेन से ही बना है प्लेट का बना है ट्यूब जैसा है टेब्यूलर और ये जो एक है ये एक इस एक को थेले जैसा है थैला मतलब थाइलाकोइड बोलते हैं एनसीआरटी की लाइन बता रही हूं ये भी मेम्ब्रेन के ही टूटने से बना है यानी ये भी फ्लैट है ये भी मेम्ब्रेनस है पर ये थेले जैसा है सैक लाइक। एक वर्ड अलग हो रहा है देखो केवल इसकी गठरी या ढेरी बन जाती है इसे ग्रैनम बोलते हैं ग्रैनम क्या है अगर थाइलाकॉइड एक कॉइन है एक सिक्का है तो खूब सारे कॉइन इकट्ठे रख दो वो ग्रैनम बन जाएगा पाइल या स्टैक ऑफ थाइड थाइड्स अभी डिटेल में नहीं जा रही हूं इस थाइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जहां पे लाइट रिएक्शन होगी और ये हिस्सा इसका ल्यूमन है ये सब डिटेल फोटोसिंथेसिस में बताऊंगी अभी नहीं बता रही हूं ठीक है तो इसमें चलो बोल देती हूँ मैं एक मेम्ब्रेनस पार्ट है और एक ल्यूमन पार्ट है इसमें फोटो सिस्टम वन और टू दोनों होंगे इसमें केवल फोटो सिस्टम वन होगा ये सब कुछ बाद में पढ़ाऊंगी यानी इस जगह पे लाइट रिएक्शन होगी एटीपी बनेगी अभी जिसको नहीं आता छोड़ो यहां खाना बनेगा यहां यानी स्ट्रोमा के पास कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम्स भी हैं जी हां रुबिसको यही मिलेगा रूबिस यही मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स कैलविन साइकल स्ट्रोमा में ही चलेगी कैलविन साइकिल थ्री साइकिल वो सारे एंजाइम्स यहीं मिलने वाले हैं प्रोटीन तो बनेंगे ही पर कार्बोहाइड्रेट ये मेन काम है ठीक है आप ही अब मैं मेरे बाप को आपसे ही समझ आएगा कीप स्माइलिंग थैंक यू लूसीफर मैं कोशिश पूरी कर रही हूं मैं भी जी जान लगा रही हूं कि मैं आपको डॉक्टर बनाने के बस ही दू ठीक है बूस्ट नॉलेज डन यस डार्क रिएक्शन यहां पर होगी यानी खाना बनेगा और यहां पे लाइट रिएक्शन होगी तो इधर पे लाइट रिएक्शन होगी इधर पे डार्क रिएक्शन होगी ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे अपन हो गया क्लियर आगे बढ़ जाए राइबोजोम so, पर आ जाते हैं राइबोजोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है सबसे छोटा और इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है क्योंकि सबसे छोटा है अभी तक साइंटिस्ट जो हैं एक तो न्यूक्लियस के रॉबर्ट ब्राउन जी दिए हुए हैं, सेल के रॉबर्ट हुक दिए हुए हैं लिविंग सेल के ल्यूविन हुक दिए हुए हैं सेल थ्योरी लीडन श्वान दिए हुए हैं रुडॉल्फ वर्चाओ का नाम दिया हुआ है एनसीआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल सिंगर निकोलसन दिया है और गॉल्जी बॉडी में कैमिलोगोलजी दिए हैं इसके बाद सीधे यहां साइंटिस्ट का नाम आया है जॉर्ज पेलाडे।, पेलाडे पेलाडे और Year भी यहां आया है 1953 में इसकी खोज हुई थी डिस्कवरी गोल्जी बॉडी की हुई थी उन्नीस आने में दो साल कम थे यानी uh, में ठीक है ना प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस इस कोर्स में इस सीरीज में मैं ही पढ़ाऊंगी बॉटनी में आएगा चलो अब राइबोसोम ऐसा एक लौता ऑर्गेनेल है जो प्रो कैरियॉट और यू कैरियोट दोनों में मिलेगा प्रो एंड यू कैरियोट प्रो कैरियोट में हम जानते हैं सेवेंटी एस है और यू कैरियोट में एट्टी एस वाला साइटोप्लाज्म में मिल रहा है वो जो आर ई आर में ई ER आर के साथ जुड़ा है ना वो भी एट्टी एस है और सेवेंटी एस वाला माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहा है यानी ध्यान रखना यू कैरियोट में मिलते दोनों हैं एट्टी एस बी और 70s एस बी ठीक है चलो अब आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ते हैं अब है क्या ये राइबोसोम इसमें प्रोटीन बनेगा यानी ये प्रोटीन फैक्ट्री है तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सुसाइड बैग लाइजोजाई है किचन क्लोरोप्लास्ट है और ये प्रोटीन फैक्ट्री है अब ये है क्या आखिर आइए समझते हैं जैसे मान लो ये मैंने 80s बनाया ये मैंने 70s बनाया 70s में दो सब यूनिट हैं 50s और 30s। 80s में दो हैं 80s में फोर्टी एस अभी सब समझाऊंगी ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ठीक है बहुत वीक था मैम बट आपसे पढ़ के स्ट्रांग हो गया हूं बहुत बहुत शुक्रिया बस एक कॉन्फिडेंस रखना है सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना सब हो जाएगा जिंदगी में समय मत देखो देखो आधा घंटा इधर उधर मत देखो यार ढाई तीन घंटे में चैप्टर हाथ में आ रहा है तीन से चार क्वेश्चन हाथ में आ रहे हैं बेसिक से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और क्या चाहिए मुझे बताओ चलो अब इकोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊंगी इस कोर्स में बॉटनी मैं पढ़ा रही हूं इकोलॉजी बॉटनी में आता है ठीक है वो मेरे, मैं पढ़ाऊंगी नाउ ये बेसिकली राइबोसोम जो है बेसिकली इसे बोलते हैं इसमें प्रोटीन्स हैं और आर आर एन ए है डीएनए से आर एन ए बनता है ना एम आर एन ए आर आर एन ए टी आर एन न्यूक्लिक एसिड है राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है यानी इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स जैसे वायरस भी न्यूक्लियो प्रोटीन है क्योंकि वायरस में भी प्रोटीन का कोट होता है और अंदर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या तो आर एन ए होता है ठीक है ठीक है नीरज अब तो हमारा दिल दिमाग आपके चरणों में समर्पित है माँ मे बी आई सिलेक्ट और नॉट इट डजेंट मैटर नीरज सिलेक्ट हो गए डोंट वरी डोंट लूज हार्ट देखो रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता है हमारे हाथ में एफर्ट्स होते हैं जीवन में कभी काश नहीं कहना पड़े काश में और पढ़ लेता काश में और मेहनत कर लेता काश में टाइम वेस्ट नहीं करता काश में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता काश काश मैंने और सेटिंग दे दी थी काश नहीं होना चाहिए मैंने अपनी पूरी मेहनत दी मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया मेरा बेस्ट दे दिया इसके बाद ईश्वर पर भरोसा रखे ईश्वर जो करेंगे चाहे वो वो चीज दें या वो ना दें अगर वो नहीं देंगे तो कुछ और बेहतर उन्होंने सोच रखा होगा ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं पर लाइफ में बहुत अच्छा होगा पर हमें वो काश नहीं बोलना स्टूडेंट्स हमें हमारी तरफ से पूरी मेहनत करनी है डन सब लोग तैयार हो बिल्कुल पूरी मेहनत करने के लिए मेरे साथ में ठीक है चलो आओ इतना लिखो फिर मैं आगे बढ़ती हूं पानी पी लेती हूं तब तक जल्दी से लिख लो सब लोग जल्दी जल्दी लिखो चलिए आइए अब इसमें कई तरह के प्रोटीन्स हैं तब जाके ये सब यूनिट बनी है प्लस आर आर एन ए कौन से हैं देखो इसमें है ट्वेंटी एट एस आर आर एन ए फिर फाइव पॉइंट एट एस आर आर एन ए और फाइव एस आर आर एन ए और यह बना है अट्ठारह एस आर आर एन ए का अब ये छोटी है तो यहां ये सोलह एस की बनी है ये भी छोटा है तो वहां अट्ठाईस है या ट्वेंटी थ्री एस है

ट्रांसफिरेस एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है इन्हें बोलते हैं राइबोजाइम वैसे तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं सारे केमिकल नेचर पर ये एंजाइम आर आरएनए है एसिड है मैं आपको पढ़ाऊंगी जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी मॉलिकुलर बेसिस में कि जब दो राइबोसोम एक राइबोजोम आया दो अमीनो एसिड आए उनके बीच में जो बॉन्ड बनाने का काम करता है वो राइबोसोम का ये आर आर एन ए करता है अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से समझ में आ गया यस यस आई एस ऑफिसर ताबीश ठीक है चलो अब राइबोसोम uh, के बारे में और क्या बात कर लें अपन प्रोटीन फैक्ट्री हो गया स्मॉलेस्ट हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यस ये एस क्या बला है व्हाट इज दिस एस एस का मतलब है स्वेड बर्ग यूनिट ये साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी गई है पर ये है क्या समझो अगर मैं इसको और इसको और इसको और इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालू और रोटेशन पर मिनट हाई सेंट्रीफ्यूज कर दू और फिर सेटल डाउन होने दू तो ये सबसे हल्की है ये सबसे धीरे नीचे सबसे हल्की है सबसे ऊपर रहेगी ये उससे थोड़ी भारी है तो थोड़ा नीचे होगी ये उससे और भारी है थोड़ा और नीचे होगी ये सबसे भारी है तो और नीचे होगी यानी रेट ऑफ सेटलिंग डाउन यानी सेडिमेंटेशन कोफिशियंट हम उसकी भारीपन देख रहे हैं कौन कितना भारी है या कौन कितना बड़ा है जो जितना बड़ा होगा उतना भारी भी होगा यानी ये डिनोट कर रहा है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सेटलिंग डाउन सेडिमेंटेशन कोफिशियंट क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इसके द्वारा ये पता कर रही हूँ कि अगर ये नीचे बैठ गया यानी ये बड़ा पार्ट था ये भारी पार्ट था यानी इसके द्वारा मैं इनडायरेक्ट मेजर कर रही हूं माय डियर स्टूडेंट्स साइज का एंड घनत्व वजन यानी डेंसिटी का वेरी इंपॉर्टेंट इनडायरेक्टली मेजर कर रही हूं मैं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डायरेक्ट तो तराजू से तोल के होता है यहां मैं घुमाकर रेट ऑफ सेटलिंग डाउन से पता कर रही हूं ठीक है भारत हाउ टू रिकॉल बायोलॉजी रिकॉल करने का तो एक ही तरीका है मल्टीपल रिविजन बार 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 रिवाइज करिएगा ठीक है अब ये दोनों यूनिट्स अलग अलग बनती हैं न्यूक्लियोलस बनवाता है पर इनकी ज्वाइनिंग जो होती है उसके लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड टू ज्वाइन सब यूनिट्स जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब ये दोनों यूनिट्स अलग अलग रहती है मैग्नीशियम आयन इन्हें जुड़वाता है इज इट क्लियर ठीक है राइट आप अपना ऑडियो मैसेज भेज दीजिएगा स्टूडेंट मैं आपको पक्का आंसर कर दूंगी राइबोसोम में कोई मेमब्रेन नहीं है ये मेमब्रेन लेस है तभी तो प्रो कैरियॉर्ड्स में भी मिल रहा है ये नो मेंब्रेन ई आर गोल्जी बॉडी लाइजोजोम वैक्योल चारों में लिख लेना सिंगल मेंब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक दोनों डबल मेंब्रेन है और राइबोजोम नो मेंब्रेन है इज इट क्लियर एवरीबडी आगे बढ़ जाए फटाफट से ठीक है चलो हाँ बिल्कुल पंकज वन शॉट वीडियो देख के बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है इस सीरीज में हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको पर आपको पूरा पढ़ना है वन शॉट पूरा पढ़ना है पूरा समझना है पूरा लर्न करना है सारे क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल सिलेक्शन होगा मैं लिख कर दे रही हूं और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का ठीक है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चलो अब ये देखो एनसीआरटी में नया डायग्राम है जिसके पास पुरानी हो ध्यान देना ये लार्ज सब यूनिट ये स्मॉल सब यूनिट ये दोनों मैग्नीशियम आइन जोड़ेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है थैंक यू थैंक यू सेट ऑफ सक्सेस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सब इतने इतने प्यार के लिए चलिए आइए अब मुझे क्या पढ़ना है देखो मैंने सिंगल uh, मेम्ब्रेन चारों पढ़ लिए मैंने डबल मेम्ब्रेन दोनों पढ़ लिए अब मेम्ब्रेनलेस लेस में राइबोसोम पढ़ लिया सेंट्रोजोम पर सेंट्रोजोम सिखाने के लिए मुझे आपको कुछ और सिखाना है हेडिंग लिखो साइटो स्केलेटन स्केलेटन मतलब ढांचा कंकाल साइटो मतलब सेल का कंकाल सेल का कंकाल क्या है हमारा कंकाल क्या बनाती है हमारी हड्डियां ऐसे ही सेल का कंकाल क्या है सेल में कुछ प्रोटीन के धागे पड़े रहते हैं जो इसे शेप देते हैं सपोर्ट देते हैं सो so, फैले हुए हैं फैला हुआ, जाल की तरह, पड़े हुए हैं, नेटवर्क क्या है ये प्रोटीन के बने हैं लिपिड कर देंगे कार्बोहाइड्रेट कर देंगे गलत हो जाएगा प्रोटीनेशियस धागे हैं फाइबर्स हैं, इसमें माइक्रो आते हैं माइक्रोटिब्यूल्स आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी स्टूडेंट्स हमारे काम माइक्रो टिब्यूल आएंगे टिब्यूलिन प्रोटीन के धागे हैं अब ये क्या काम करते हैं ये शेप देंगे, सपोर्ट देंगे, सपोर्ट ऑफ़ कोर्स और इन्हीं माइक्रो टिब्यूल के धागों से सीलिया प्लाजिला बनेगा और सीलिया प्लाजिला मूवमेंट देता है यानी मोटिलिटी देंगे मोटिलिटी चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोजो यस यस सक्सेस आप बिल्कुल उस कोर्स को फॉलो कर सकते हो जो भी करो उसको पूरा करो रिविजन की तरह लेक्चर्स के थ्रू महाविजन से भी आप रिवाइज कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो चलिए यस थ्रेड लाइक बिल्कुल धागे जैसे हैं थ्रेड लाइक -like हैं फिलाेंटर्स हैं बिल्कुल सारे शब्द बहुत इजी हैं अगर हमने समझ लिया कि ये धागे जैसे हैं तो चलो आ जाओ अब सेंट्रोसोम पढ़ लेते हैं बड़ा आसान है ऑर्गेनेल का नाम सेंट्रोसोम है एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं जैसे ये एक सेंट्रियोल ये दूसरा सेंट्रियोल ये दोनों तो सेंट्रियोल है थोड़ा सा कुछ कुछ मटेरियल चारों तरफ पड़ा है ये पूरा एक सेंट्रोसोम कहलाएगा पर इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है ये मेम्ब्रेन लेस है राइबोसोम की तरह लेस, नो मेम्बरेन ये जो चारों तरफ पड़ा है ना इसे पेरी सेंट्रियोलर सेंट्रियोल centriol के चारों तरफ है पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल बोलते हैं एमोरफस है कोई आकार नहीं है सेंट्रियोल के चारों तरफ ठीक है चलो आगे बढ़ जाएं अपन स्टूडेंट्स नाउ एक सेंट्रियोल कैसा है एक सेंट्रियोल जैसा एक सेंट्रियोल होगा फिर दूसरा सेंट्रियोल होगा और उससे सेंट्रोसोम बनेगा सेंट्रियोल का क्या काम होता है सेंट्रियोल का काम मैं अभी आपको बताऊंगी एक सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है जिससे फिर सीलिया फ्लैजिला निकलेगा सो so, फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लाजिला अच्छा और क्या होता है इसी सेंट्रियोल से प्रोटीन के धागे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम पर अटैच होते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे जो फिर सिस्टर को अलग अलग खींचते हैं याद आ रहा है काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं सो दे देॉर्म स्पिंडल फाइबर ये दोनों सेंट्रियोल के काम है या कह दो सेंट्रोसोम के काम है तैयार हो आप लोग सब हाउ मेनी टेस्ट शुड बी गिवन मुझे ऐसा लगता है कि वीकली टेस्ट भी दे अगर आपका फुल सिलेबस कंप्लीट है तो आप वीकली टेस्ट दोगे तो भी चलेगा या एवरी फोर्थ डे भी टेस्ट दे सकते हो पर अभी अगर फुल सिलेबस नहीं हुआ है तो आप दस दिन या पंद्रह दिन में टेस्ट दो और बाकी टाइम पढ़ो वरना टेस्ट के चक्कर में वो सब कुछ यू 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 अखबार की तरह पढ़ के जाओगे और फिर पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा जो अपने वीक टॉपिक्स हैं या जो बैकलॉग्स हैं ठीक है चलिए आइए सेंट्रियोल बनाना सिखाती हूँ आपको मैंने आपसे बोला जाओ बाजार जाओ और बाजार जाके 27 पाइप लेकर आओ सत्ताइस पाइप कितने ट्वेंटी सेवन पाइप आप लेकर आ गए आपने कहा ये लीजिए मैम मैंने कहा अब इनके तीन तीन के तिगड्डे बनाओ जैसे परेश रावल बोलता है ना हम जुड़वा नहीं हम तुड़वा हैं तीन तीन के कितने बनाओगे नौ नौ ट्रिपलेट्स एक दो तीन पाइप फिर एक दो तीन पाइप फिर एक दो तीन पाइप मैंने एक सर्कल में रखवा दिए और मैंने इसे बीच से ऐसे ट्रांसफर्स कट करा हॉरिजॉन्टली ऊपर से झाकूंगी तो गोले दिखेंगे क्योंकि पाइप तो लंबे लंबे पर आपने इसे कट कर दिया है यानी मुझे कुछ ऐसा दिखेगा आओ बनाते हैं अपन चलो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ऐसा दिखेगा ठीक है चलो फटाफट से बना लो नाइन ट्रिपलेट्स हैं ये तिगड्डे ट्रिपलेट्स जो मैंने गोले में रखवा दिए हैं साइड में चारों तरफ पेरी फेरल नाइन ट्रिपलेट्स ये सब माइक्रो टिब्यूल्स हैं धागे हैं ये यानी टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के माइक्रो टिब्यूल्स बने अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बीच में मैंने कोई पाइप नहीं रखवाया बस ऐसे ही मैंने प्रोटीन रख दिया लाके बीच में कुछ भी नहीं है सेंट्रल प्रोटीन से भरपूर प्रोटीन एशियस हब हब का मतलब ही होता है जैसे स्टूडेंट कोटा इज स्टूडेंट हब है यानी सब स्टूडेंट्स कोटा में आते हैं चाय की थड़ी है सारे ऑफिस वालों का हब है ऐसी सेंटर को हमेशा हब बोलते हैं ठीक है अब मैंने कहा कि चलो प्रोटीन लो और इनको आपस में जोड़ दो ये भी सब प्रोटीन है जैसे माचिस की तीलियां हो कितनी होंगी नौ ये नाइन रेडियल रेडियल ही है ना देखो जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं स्पोक्स ये सब प्रोटीन का बना है सब प्रोटीन का बना है सब पर पाइप्स नहीं है पाइप तो केवल वही है और मैंने इनको भी जोड़ दिया ऐसे देखो ये ए बी सी तीन थे ये ए बी सी तीन थे ए को सी से जोड़ा ए को सी से 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 एक को सी से यानी इन्हें बोलेंगे ए सी लिंकर या सी ए लिंकर ये सब प्रोटीन्स हैं जिनसे मैंने जोड़ा है पहिए जैसा बन गया ये एक सेंट्रियोल है माई डियर स्टूडेंट्स पहिए जैसा दिख रहा है कार्ट व्हील अपियरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक सेंट्रियोल का होता है गाड़ी के पहिए जैसा कार्ट व्हील अपियरेंस नौ तिगड्डे हैं नाइन बीच में कोई पाइप नहीं है इसे नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट कहते हैं ध्यान रखो नौ ट्रिपलेट्स हैं क्योंकि सीलिया प्लाजिला में अभी नौ डबलेट आएंगे इसीलिए अच्छे से समझ में आ गया ठीक है पांचाल क्लियर हो गया यस ये लिंकर्स हैं सब प्रोटीन का बना हुआ है ये एक अभी एमसीक्यू भी कराऊंगी ये एक सेंट्री है ऐसा ही ये नौ लगाए हैं सत्ताईस पाइप ऐसी सत्ताइस पाइप ऐसे आड़े में लगा दिए हॉरिजॉन्टली ये पूरा एक सेंट्रोजोम बनेगा ठीक है आगे बढ़े इसका काम है ये एक सेंट्रियोल बेसल बॉडी की तरह बिहेव करेगा और साथ में स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा फटाफट पढ़ से एक बार मुझे यस भेज दो फिर हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्विकली एवरीबडी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं पढ़ रहे हैं एक बार थम्स अप या यस भेज दीजिए चलिए अब आइए अपन सीलिया फ्लाजिला पे आ जाते हैं कुछ इस तरह से दिखता है देखो ये नौ तिगड्डे में ये नौ तिगड्डे में एक सेंट्रियोल एक सेंट्रीओल और ये पूरा सेंट्रोजो ठीक है थैंक यू मुकेश लव फ्रॉम नेपाल हो आप नेपाल से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया नेपाल श्रीलंका सब जगह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं गॉड ब्लेस यू माई डियर स्टूडेंट्स चलिए बिल्कुल मजे आ गए वेरी गुड वेरी गुड कितने घंटे सोना चाहिए ये तो डिपेंड करता है छे से सात घंटे आराम से सो सकते हो अगर आपने प्लैंड वे में स्टडी कर रहे हो तो शांति से छह घंटे तो सोना है और आराम से सो सकते हो आप ठीक है आदित्य जईन पायल प्रियंका डांस जेने देव्या वेरी गुड वेरी गुड, गुड। चलिए आइए अब आइए स्टूडेंट सीलिया फ्लाजिला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीलिया फ्लाजिला में क्या डिफरेंस है देखो सीलिया छोटे छोटे होते हैं स्मॉलर फ्लाजिला लंबा लंबा होता है लॉन्गर ठीक है दोनों में एक बेसल बॉडी होगी और एक मेन हिस्सा जो निकला हुआ है मुझे जो मेन बताना है सीलिया कैसे काम करते हैं जैसे बहुत सारे सीलिया हैं तो जैसे हम नाव चलाते हैं ना चप्पू एक डायरेक्शन में ऐसे सारे सीलिया मूव करेंगे सो दे वर्क लाइक ओड्स वर्क लाइक ओड्स ओड्स मतलब चप्पू नाव का चप्पू जबकि फ्लैजला हंटर जैसे करता है ऐसे वन डिग्री यू कैरी की बात कर रहे हैं दोनों ही टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं क्योंकि हम यू कैरियोटिक की बात कर रहे हैं प्रो कैरियोटिक में फ्लैजिलिन के बने हुए हैं तो सीलिया छोटे छोटे हैं लंबा है सीलिया चप्पू की तरह काम करते हैं फ्लाजिला हंटर की तरह काम करता है अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लैजिला सेल का मूवमेंट करवाएगा फ्लाजिला के कारण पूरा सेल मूव करेगा अब सीलिया मूवमेंट ऑफ सेल तो है ही एंड फ्लुड अराउंड सेल के आसपास फ्लूड का भी मूवमेंट कराता है तभी तो सीलिया पानी में से खाना अंदर करवा देता है तो ये केवल सेल का मूवमेंट कराएगा ये सेल और उसके आसपास के फ्लूड का भी मूवमेंट कराएगा ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही सीलिया फ्लाजिला जो है इनमें एक बेसल बॉडी होगी जैसे ये बेसल बॉडी है और इससे फिर सीलिया या फ्लाजिला निकलेगा यानी इसे तो बेसल बॉडी कहेंगे और इसे कहते हैं एग्जोनीम, जिसे हमने फिलामेंट कहा था ना राइट प्रोकैरियोट में बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट था यहां पे हुक नहीं होता है हाँ, बिल्कुल आयुष कह रहा है मैम आपने तो पूरी एनसीआरटी याद करा दी हाँ, चलिए मैम मेरा आदित्य ठीक है क्लियर है चलो अभी अभी सीखते हैं अपन आओ अब अपन एक फ्लैजला या सीलिया बनाते हैं यहां मैंने आपसे बोला जाओ बाजार से जाके बीस पाइप लेकर आओ कितने पाइप लेकर आओ बीस और मैंने आपसे बोला नौ के दुगड्डे बनाओ ट्विंस ट्विंस बनाओ नौ के चलो आ जाओ फटाफट से बना लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है एक ए हो गया एक बी हो गया इनको आपस में जोड़ देते हैं ये जोड़ दिया पूरा नहीं बनाऊं चलेगा टाइम सेव करने को ये जोड़ दिया यानी पे भी मैंने चारों तरफ आपसे नौ ही रखवाए हैं पर यहां डबलेट्स रखवाए हैं वही ये भी वही टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं माइक्रो टिब्यूल के पाइप्स हैं सब कुछ सेम है पर ये डबलेट है वो ट्रिपलेट थे यहां भी मैंने इनको जोड़ दिया है यानी ये ए बी लिंकर है पर मैं इसे और क्या कह सकती हूँ एनसीआर लिखती है ये एक डबलेट ये एक डबलेट दो डबलेट के बीच में यानी इंटर डबलेट ब्रिज है ये दो स्कूल के बीच इंटर स्कूल दो डबलेट के बीच इंटर डबलेट ब्रिज ए बी लिंकर के लिए ही कह रहे हैं उसे भी इंटर ट्रिपलेट बोल सकते थे ठीक है अब मैंने आपसे बोला दो पाइप सेंटर में रख दो वहां मैंने सेंटर में पाइप नहीं रखा था बस ऐसे ही प्रोटीन डाल दिया था यानी दो सिंगलेट सिंगल सिंगल पाइप रखा है देखो मैंने जोड़ा नहीं बनाया सिंगल सिंगल रखा है वो सेंटर में रखवा दिया वही माइक्रोटिब्यूल का बना हुआ माइक्रोटिब्यूलर अब मैंने इनकी रक्षा करने के लिए एक चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग कर दी इसे सेंट्रल शीत बोलते हैं और अब मैंने कहा जाओ प्रोटीन ही लेकर आओ और इन सबको जोड़ दो इससे ये जोड़ दो कितने होंगे नौ रेडियल स्पोक्स सो नाइन रेडियल स्पोक्स यहां भी हैं सब प्रोटीन का बना हुआ है पर फर्क क्या पड़ गया कि यहां नौ डबलेट्स हैं और सेंटर में दो सिंगलेट हैं इसे नाइन प्लस टू अरेंजमेंट बोलते हैं यहां नौ डबलेट्स और दो सिंगलेट्स हैं नौ दोनि अट्ठारह और दो बीस पाइप लग रहे हैं वहां नौ सत्ताइस ट्वेंटी सेवन पाइप लग रहे थे एसी लिंकर के कारण वहां पहिए जैसा बना था ऐसा 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 करके यहां पहिया नहीं बना है तो जब आप सीलिया प्लाजिला देख रहे हो उसकी बेसल बॉडी नाइन प्लस जीरो होती है ध्यान रखना और एक्जोनीम जो है पूरा फिलामेंट धागा वो नाइन प्लस ये बेसल बॉडी नाइन प्लस जीरो है सेंट्रियोल ये नाइन प्लस टू है इसे कोर भी बोलते हैं कोर ऑफ सीलिया और फ्लाजिला ये सब एनसीआर की लाइन है ये स्टडीमेड आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर लो आ जाएंगे थ्री फोर्टी प्लस लेकिन सब याद करना है है ना ठीक है पूरा पूरा पढ़ना है सो ये है एग्जोनिन जब भी सीलिया फ्लाजिला बाहर निकलता है तो उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जाती है हमेशा यहां चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दिखेगी मतलब समझो जैसे ये एक सेल है ये बेसल बॉडी है ये सीलिया निकला तो ऐसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जाती है हमेशा चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। अब इसमें ये सारे जो टिब्यूलिन प्रोटीन बनाए ना जो भी प्रोटीन्स हैं, भाई इसको मूवमेंट कराना है वो काम सेंट्रियोल को नहीं कराना था यानी इसको एनर्जी चाहिए एटीपी तोड़नी पड़ेगी तब एनर्जी मिलेगी एटीपी तोड़ने के लिए क्या होता है यहां पर ऐसे आर्म्स होते हैं इन्हें बोलते हैं डाइनिन आर्म्स ये डाइनिन प्रोटीन के बने हैं डाइनिन प्रोटीन एटीपी तोड़ता है प्रोटीन है एंजाइम की तरह काम करता है एटीपीएस सब जगह यहां पे भी होंगे ऐसे ही ये एनसीआरटी के डायग्राम में बने हैं ये ये डाइनिन के आर्म्स हैं इज इट वेरी 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 क्लियर ठीक है मुकेश बेस्ट बॉटनी टीचर नॉट सीन इन नेपाल ऑल्सो नहीं नहीं आई एम श्योर नेपाल हैज गॉट ग्रेट ग्रेट टीचर्स माई डियर इट इज जस्ट दैट कि हमारा मिलना लिखा था आपकी मुझसे फ्रीक्वेंसी मिलनी लिखी थी ठीक है ओके हर्षित आदित्य क्लियर हो गया डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आगे बढ़ जाए अपन फटाफट से एवरीबडी पानी पीते रहो भाई सब लोग साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा गर्मी आ गई है डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस समय बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपन लोग हेल्दी खाओ बहुत ज्यादा तला वाला मत खाओ उससे भी नींद आती है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स सो दिस इज अबाउट सेंट्रियोल सीलिया एंड प्लाजिला ये देखो एनसीआरटी का डायग्राम सब लोग देखो एक बार मेरे साथ खोलो एनसीआरटी देखो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है सेंट्रियोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी ये माइक्रोटिब्यूल के डबलेट्स हो गए ये एक डबलेट है ए बी ये दूसरा डबलेट है ए बी और इनको ये लिंक कर रहा है ए बी लिंकर इसे एनसीआरटी लिखती है इंटर डबलेट ब्रिज दो सेंटर में सिंगलेट्स हैं आपस में ज्वाइन कर दिया सेंट्रल शीत बना दी और ये रेडियल स्पोक्स हैं जो इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं ये देखो ये रेडियल स्पोक्स हो गए ठीक है और ये देखो वो डाइन इन के आर्म्स ये देखो ये ये डाइन इन के आर्म्स है ये तो हमने डायग्राम बनाया है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है ये देखो। ये दो, ये देखो दो एक, दो पांच छ सात आठ नौ ये दो सेंटर के ये ये रेडियल स्पोक्स हैं ज्वाइन करने वाले ठीक है ऐसा दिखता है डन राइट right? डायने डायन प्रोटीन के बने ठीक है इलहक मंजूर इज इट क्लियर चलिए ये साइड में इसी तरह से सो so, यहां पर आकर हमने क्या क्या खत्म कर लिया सेल वॉल प्लाज्मा देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया क्विकली क्विकली रिकेप सेल सारी डिस्कवरीज प्रो कैरियो कैरियोटिक सेल सेल थ्योरी एनिमल प्लांट सेल सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट आर गॉल्जी बॉडी लाइजोजोम वैक्योल राइबोजोम सेंट्रोजोम सेंट्रियोल फ्लैजेला चलिए डीपीपी की डिटेल्स अभी आपको दे दूंगी अब आइए लिखिए माइक्रोबॉडीज 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 एनसीआरटी में लास्ट में एक जरा सी दो लाइनें लिखी हैं पर इस पर क्वेश्चन आते हैं या थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिलेक्शन के बाद मिलना ही है नाम बिलाई तो मेरी बहुत रेगुलर स्टूडेंट है माइक्रोबॉडीज मतलब माइक्रो यानी छोटे छोटे माइन्यूट है थैलियों जैसे हैं, वेसिकल्स है और बहुत सारी होती है बहुत सारी और माइक्रोबॉडीज भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है जैसे ईआर ER है गोल्जी बॉडी है लाइजोजोम है वैक्यूल है सिंगल मेम्ब्रेन एनसीआरटी में पता है कैसे लिखा है मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल तो कई बार ऐसा लिखता है कि मेनी मेम्ब्रेन है क्योंकि बीच में कॉमा नहीं लगाया इसीलिए मैं कॉमा लगा रही हूँ बहुत सारी हैं पर हर में एक एक मेम्ब्रेन है छोटी छोटी थैलियां हैं और इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं स्पेशल एंजाइम्स हैं जिसके कारण ये स्पेशल काम करेंगे देखते हैं ये पेड़ों में मिलेंगे या जानवरों में मैंने कहा था पर दोनों में मिलता है पेड़ जानवर ग्लाई ऑक्सीजोम स्फीरोजोम केवल पेड़ों में मिलता है यानी टोटालिटी की बात करें सो दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एनिमल में परोक्सीजोम मिलेगा और प्लांट में तीनों मिलेंगे तो आइए माइक्रोबॉडीज की बात कर लेते हैं ये पढ़ना इतना आना चाहिए स्टूडेंट्स पहले मैं बात करती हूं एक स्फीरोजोम ये केवल प्लांट्स में मिलेगा और ये प्लांट का लाइजोजोम है जी हाँ जो काम एनिमल में लाइजोजोम करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोलिस वो ये करेगा और साथ में ये लिपिड भी स्टोर करती हैं अपने अंदर लिपिड स्टोरेज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है आपको बी एच एम एस में एडमिशन चाहिए तो बायो पढ़ू या नहीं बायो तो पढ़ो ना बायो नहीं पढ़ोगे तो फिर नीट में नंबर तो चाहिए ना बी एच एम एस बी एम एस सब कुछ नीट के थ्रू ही तो मिलेगा अच्छा वंशिका आप आर आर सी बैच में फॉलो कर रहे हैं आई होप आपको मजे आ रहे हैं पायल थैंक यू थैंक यू डियर गॉड ब्लेस यू थैंक यू टेल्स ऑन द डेस्क चलो अब दूसरे ये ग्लाई ऑक्सीजूम इसकी खोज पर्नर ने की थी बीवर ने की थी इतनी डिटेल नहीं आता ये सारे पेड़ों में नहीं मिलती जिनमें ऑयल बनता है ऑयली सीड्स वाले जैसे मूंगफली सरसों अरंडी का तेल इन सब में ये क्या करता है ये ऑयल को शुगर में कन्वर्ट करता है इसे बोलते हैं ग्लाई ऑक्सीलेशन ग्लाय ऑक्सी इसीलिए ग्लाय ऑक्सीजोम बोलते हैं ग्लाइ ऑक्सीलेशन ग्लाइ ऑक्सी ऑइल से शुगर बना रहे हैं यानी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स या शुगर से शुगर नहीं बना रहे हैं. नया फैट से शुगर बना रहे हैं ग्लूको नियोजेनेसिस इसे ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल कहते हैं तभी ग्लाई ऑक्सीजोम है अब पर ये दोनों में मिलता है पेड़ों में भी और जानवरों में भी अब पेड़ों में ये क्या करता है इसे हम भर भर के पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में ये फोटोरेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं जिसे C2 टू साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एनसीआरटी में दिया है और एनिमल्स के अंदर ये यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में यानी यूरेट साइकिल में यूरेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं यानी ओवरऑल माइक्रोबॉडीज छोटी छोटी हैं गोल गोल हैं स्पेशल एंजाइम्स हैं उसके कारण स्पेशल काम करते हैं और पेड़ों में जानवरों में मिलते हैं ठीक है ओके आप ईटू से मुझे फॉलो कर रहे हैं गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू चलिए ठीक है आइए आगे बढ़ जाए अपन स्टूडेंट्स नटराज आई टेक योर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम आई होप आपको मजे आए हैं ये वन शॉट है तो थोड़ा सा क्विक तो जाएगा है ना बिल्कुल बेसिक से नहीं बता मतलब बेसिक से बता रही हूं पर स्पीड एकदम धीरे धीरे नहीं कर सकती ईयर लॉन्ग कोर्सेज में आराम से पढ़ते हैं चलो आ जाओ भाई अब ये मैंने ट्रिक बना दी है जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम हैं। आई गॉट अ चांस मैं कभी नहीं चाहती कि आप लोग ये जीवन में बोलो आई गॉट अ चांस मैं काश पढ़ा होता एक बार प्रॉपरली लर्न करता केमिस्ट्री रीड करता फिजिक्स गोल बनाता बायो को प्रिपेयर करता टेस्ट तो सिलेक्शन हो पाता जीवन में किसी को ये नहीं बोलना एन में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1898 और 1953 इतना हमें आना चाहिए चलिए फंक्शन के लिए भी ये ट्रिक है जिसको हेल्प करे वो यूज कर सकता है आई समराइज करती हूं माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस ई ER में प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस लाइजोजोम से हाइड्रोलाइसिस गोल्जी बॉडी से पीपीडी पैकेजिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वैक्योल से टर्जिडिटी सेंट्रियोल सेंट्रोजोम से स्पिंडल बनना और बेसल बॉडी बनना राइबोजो प्रोटीन फैक्ट्री पर एनिमल्स एंड सी टू साइकिल इन प्लांट्स, ग्लाई ऑक्सीजोम ऑइल को शुगर में कन्वर्ट करेगा और फिर लिपिड स्टोरेज ऑल डन 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 ठीक है आइए अब आते हैं इन सबको कंट्रोल करने वाले इनके डायरेक्टर पे चलिए सो डायरेक्टर ऑफ द सेल लिखिएगा न्यूक्लियस और एक बार एनसीआर ओपन करो एवरीबडी न्यूक्लियस बहुत मजेदार हिस्सा पढ़ने वाले हैं अब हम डायरेक्टर ऑफ द सेल देखो न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था 1831 ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं अब बाद में न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल मिला साइंटिस्ट को जो डाई डालने पे कलर देता था उन्होंने कलर देने के कारण उसे क्रोमैटिन कहा स्टेन्ड बेसिक डाय हम जानते हैं क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन है जो बेसिक प्रोटीन है इसीलिए बेसिक डाय इसे एसिडिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा और ये नाम क्रोमैटिन दिया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने ये एक और साइंटिस्ट आ गए ठीक है अब जब हम एक नॉन डिवाइडिंग सेल को देखेंगे जीवन एस और जी टू फेज में तो क्रोमैटिन का धागा दिखेगा उलझा हुआ पर जैसे ही एम फेज आएगा प्रोफेज ये गाढ़ा होना शुरू करता है और मेटाफेज में ये मोस्ट कंडेंस एक स्ट्रक्चर बना लेता है जैसे क्रोमोजोम बोलते हैं तो क्रोमोजोम क्या है क्रोमैटिन का ही गाढ़ा रूप आपने ऊन उलझी हुई छोड़ दी वो क्रोमैटिन है और ऊन का गोला बना दिया वो क्रोमोसोम बन गया डिवाइडिंग सेल में क्रोमोजोम दिखेगा रेस्टिंग इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम नहीं क्रोमैटिन का धागा दिखेगा मार्क करिए इंटरफेज न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो हमें धागे दिखेंगे क्रोमैटिन के और जब सेल डिवाइड करेगा तो यही स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम बना लेगा यह फैला हुआ है इलेबरेट जाल एक्सटेंडेड बिखरा हुआ डिस्टिंक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, बाकायदा एक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा इनडिस्टिंक्ट ये सब एनसीआरटी के शब्द है इसमें डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन है साथ में आरएनए नॉन हिस्टोन भी है डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन है यानी ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन है वायरस की तरह राइबोसोम की तरह ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन है न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है इसे बोलते हैं क्रोमैटिन इतना समझ में आया तीन से चार क्वेश्चंस आते हैं यहां से अभी सब सिखा रही हूं आपको डोंट वरी ध्यान से देखो पहले तो क्रोमैटिन का धागा उलझा पड़ा हुआ है इंडिस्टिंग्ट है इलैबोरेट है फैला हुआ है एक्सटेंसिव है बेसिक डाइस होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसके अंदर है ये तब दिखेगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा जब सेल डिवाइड करेगा तो यही कंडेंस होके कॉइल होके क्रोमोजोम बनाएगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपको सिखाऊंगी मॉलिकुलर बेसिस में और हमें क्या मिलेगा आइए बनाते हैं चल आओ बनाओ न्यूक्लियस बना रही हूं मैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी ये आउटर मेम्ब्रेन है मान लीजिए ये इनर मेम्ब्रेन एक हो गई ये वाली आउटर हो गई ठीक है चलो तो ये है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की ये है इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की यानी न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है अब ये दोनों मेम्ब्रेन्स फ्यूज कर गई ये देखो फ्यूज कर गई उसके कारण छेद हो गए बीच बीच में सो यहां पे न्यूक्लियर पोर्स बन गए ये छेद कैसे हुआ है माई डियर स्टूडेंट्स बाय फ्यूजन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई तो ये बन गया ये जो दो मेंब्रेन है इसे मिलाकर बोलते हैं इसका लिफाफा यानी न्यूक्लियर एनवेलप सो so, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है डबल में वो वही प्लाज्मा मेंब्रेन जैसी मेंब्रेन होंगी विथ न्यूक्लियर पोर्स छेद हैं अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है जैसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस थी पेरी स्पेस थी ऐसे ही ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो जाएगी एनसीआरटी में क्लियरली दिया है ये 10 से 50 नैनोमीटर चौड़ी होती है तो हमें आना चाहिए यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल डिवीजन के टाइम गायब होती है और वापस RER से बनती है अब जो आउटर मेम्ब्रेन है मैंने पहले ही पढ़ा दिया है उसके साथ RER और इवन राइबोसोम्स भी जुड़े हो सकते हैं सो so, आउटर मेम्ब्रेन के साथ आर ई आर एंड राइबोजोम अटैच रहते हैं इट इज कंटिन्यूअस विद अब छेद क्यों बनाए हैं अंदर डीएनए डीएनए से दिने अंदर बनेगा, डीएनए से आरएनए अंदर बनेगा वो आरएनए बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगा फिर प्रोटीन मतलब एंजाइम्स भी बाहर बन रहे हैं तो जो डीएनए आर बनाने वाले एंजाइम्स हैं वो अंदर जाएंगे यानी न्यूक्लियर पोर के थ्रू दो काम होंगे प्रोटीनस एंड आर एन ए का मूवमेंट होगा इन बोथ डायरेक्शन डीएनए से डीएनए न्यूक्लियस में बनता है सिखाऊंगी आपको डीएनए से आर एन ए भी न्यूक्लियस में बनता है पर फिर वो आर एन ए बाहर जाएगा और प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म में बनाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स हैं और एंजाइम्स अंदर आएंगे इज इट क्लियर इज इट वेरी वेरी क्लियर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेसिक्स है तो पहला हिस्सा हमें दिखेगा न्यूक्लियर एनवेलप का सेल डिवीजन के टाइम ये गायब होके दोबारा से फिर से रीअपियर होगी इसमें पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गई न्यूक्लियर पोर्स हो गए अब ये जो कुछ भी पड़ा है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है बस वैसा ही इसके अंदर हमें क्या क्या दिखेगा इसके अंदर हमें डीएनए का वो जाल दिखेगा ये रहा क्रोमैटिन का धागा यानी इसके अंदर मिलेगा हमें क्रोमैटिन नाउ क्रोमैटिन के अलावा ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा यानी इसके अंदर मिलेगा न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मैट्रिक्स में पड़ा है ये सब कुछ नाउ क्रोमैटिन क्या होता है क्रोमैटिन ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी इसमें डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है जो एक बेसिक प्रोटीन होता है इसके अलावा थोड़ा सा आरएनए और थोड़े से नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स यानी प्रोटीन होते हैं तभी तो इसे न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए प्रोटीन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन न्यूक्लियो प्रोटीन धागा बोलते हैं जो पड़ा हुआ है कैसे अरेंज होगा ये सब मॉलिकुलर बेसिस में सिखाऊंगी आपको ठीक है अब ये न्यूक्लियोलस क्या है भाई ये गोल गोल सा हिस्सा है स्पेरिकल इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं है नॉट बाउंड यानी मैं क्या बोल सकती हूं ये मैट्रिक्स के साथ ही कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस विथ मैट्रिक्स एक्चुअली पता है ये क्या है माई डियर स्टूडेंट्स ये क्रोमैटिन का ही हिस्सा है क्रोमेटिन मतलब डीएनए यानी इसमें जीन्स हैं यानी इसे आरएनए आरआरएनए बनता है जी हाँ यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है और इस आरआरएनए में जब प्रोटीन जुड़ेगा तो राइबोसोम बनेगा यानी इसे राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं कितना इजी है चीजों को समझना तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है पर राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है गोल है мемब्रेन नहीं है मैट्रिक्स के साथ कंटिन्यूअस है क्रोमैटिन है डी एन ए आर जिससे बनेगा साइट ऑफ एक्टिव आर आर एन सिंथेसिस ऐसा कहते हैं इसको साइट ऑफ एक्टिव आर आर एन यानी अगर किसी सेल में ज्यादा प्रोटीन बनना है ज्यादा राइबोसोम बनने हैं तो बड़े बड़े न्यूक्लियोलस मिलेंगे और ज्यादा नंबर में भी मिलेंगे सो मोर नंबर एंड लार्जर न्यूक्लियोलस इन सेल्स विथ मोर प्रोटीन सिंथेसिस अगर प्रोटीन ज़्यादा बनना है जैसे हार्मोन वगैरह बनना है बहुत हार्मोन प्रोटीन एंजाइम्स बनना है तो सेल के अंदर बड़े बड़े उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस मिलेंगे अपने को और ज़्यादा नंबर में भी मिलेंगे सारे क्वेश्चन हैं इतना क्लियर हुआ नाउ क्रोमैटिन भी दो तरह का होता है कहीं थोड़ा कम उलझाए कहीं ज्यादा उलझाए यू क्रोमैटिन वो आपको पढ़ाऊंगी मॉलिकुलर बेसिस में यानी हमें चार चीजें मिल गई हैं एक हमें एनवलप मिला एक मैट्रिक्स मिला मैट्रिक्स के अंदर ही क्रोमैटिन ये धागा मिला और मैट्रिक्स के अंदर ही न्यूक्लियोलस मिला ये सब हमें डिवाइडिंग अभी नहीं है सेल इंटरफेज का न्यूक्लियस है जब डिवीजन होगा तो हमें क्रोमैटिन नहीं दिखेगा ये एक क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमन होगा तो पूरा क्रोमैटिन 46 क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा इज इट वेरी वेरी क्लियर देखो एनसीआर क्या लिखती है कि इंटरफेस न्यूक्लियस में क्रोमैटेन है न्यूक्लियर मैट्रिक्स है और है, जो स्फेरिकल है एक या एक से ज्यादा तो ध्यान रखना न्यूक्लियो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं तभी तो लिखा है हमने मोर नंबर सो दे में बी वन और मोर देन वन अच्छा न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस नॉर्मली वन पर सेल होता है पर मोर देन वन भी हो सकता है जिसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं जैसे कोकोनट के एंडोस्पर्म में लिक्विड एंडोस्पर्म जैसे स्केलेटल मसल सेल में इज इट क्लियर और कभी कभी न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है कहां होता है न्यूक्लियस एब्सेंट मैच्योर मैमल के आरबीसी में और फ्लोयम के सीव ट्यूब में पढ़ाया था ना मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीव ट्यूब के अंदर इसे कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इज इट वेरी क्लियर करेक्ट सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियस ऑल डन चलो बना लिया सबने अब अच्छा न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ना न्यूक्लियो भी बोल सकते हैं न्यूक्लियो जैसे साइटोप्लाजम सेल के अंदर का लिक्विड है ऐसे ही न्यूक्लियो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है इसके अंदर मिलेगा ध्यान रखना इसके अंदर मिलेगा क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस इसके अंदर मिलेगा एनसीआरटी की लाइंस हैं, राइट ये देखिए इट कंटेन्स दिस अब आइए क्रोमैटिन को गाढ़ा करके क्रोमोजोम बनाते हैं क्रोमोजोम चलो बनाओ मेरे साथ ये सब हो गया अब देखो जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोजोम दिखाई देंगे जो बाकायदा स्ट्रक्चर्ड है मार्क करिए इस लाइन को एनसीआरटी से से ऑन एवरीबडी एवरीबडी क्विकली और कोई डाउट्स हैं तो पूछिए यस बॉल के गुच्छे जैसा वूलन बॉल जैसा बनेगा ठीक है अभी कहां खिचड़ी पकी है अभी तो अच्छा लिखा है ये वाली खिचड़ी पक गई है ना अगली बार नहीं पकाऊंगी ठीक है <laughs> यस yes, जो लास्ट तक रहेगा वही जीतेगा जैसे ना स्टूडेंट्स एक मजेदार बात बताती हूँ गायनेकोलॉजी में ऑप्स्ट्रेटिक्स में हमारे एक बड़ी फेमस बात है प्रेगनेंसी में नौ महीने तो आराम से निकल जाते हैं पर वो आखिरी का एक से दो हफ्ते बड़ी मुश्किल होती है प्रेग्नेंट लेडी को जैसे बोलते हैं ना हाथी निकल गया बस पूछ रह गई तो ये आखिरी एक से डेढ़ महीना पूछ है हाथी निकल गया ये पूंछ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पूंछ बड़ी दुखदाई भी लगती है बड़ी पीड़ाजनक भी लगती है लेकिन ये पूंछ निकाल ली तब जाके पूरा हाथी निकल जाएगा तो बस लगे रहो जो अंत तक रहेगा वो जरूर जीतेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए आइए अब आ जाओ क्रोमोजोम बनाते हैं अपन क्रोमोजोम केवल डिवाइडिंग सेल में दिखेंगे चलो बनाओ मेरे साथ इस भी बहुत क्वेश्चन आता है एक पीवाई आया हुआ है दो में शायद आया था जिसका एनसीआर में नामो निशान नहीं है पर क्वेश्चन आया है मैं आपको पढ़ाती थी हमेशा से देखो क्रोमोजोम में ऐसा दिखेगा बना 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 लो 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 कोई बात नहीं है बीस मिनट की बात है जीवन बदल जाएगा तीन से चार क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे अपने ठीक है खुशी महकदी वंशिका नरगेज बबलू कोई बोर तो नहीं हो रहा है सबको मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे एक बार फटाफट से मुझे थमसप भेज दो चलो देखो इसमें यह क्रोमैटेड है जब डीएनए डबल होगा अगली क्लास में सिखाऊंगी आपको सेल साइकिल में तो दो सिस्टर में नहीं जा रहे हैं अपन इसमें डीएनए का धागा है एक धागा और फिर एस फेज आया होगा तो डीएनए डबल हो गया होगा ऐसा ठीक है इन्हें क्रोमो नीमैटा बोलते हैं बेसिकली डीएनए है और जहां जहां ऐसा डी एन ए होता है जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी जिससे आरएनए और फिर प्रोटीन बन सकता है यानी जीन्स जीन्स उन्हें क्रोमोमियर्स बोलते हैं अब एक कंस्ट्रिक्शन हर क्रोमोजोम में मिलता है हर 46 सिक्स है तो 46 के 46 में इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी पहला कंस्ट्रिक्शन ये असेंशियल है हर क्रोमोजोम में मिलेगा असेंशियल इन ऑल क्रोमोजोम ऑल क्रोमोजोम जैसे मान लो कि ये कंस्ट्रिक्शन है इधर तो एक प्रोटीन की डिस्क इधर एक प्रोटीन की डिस्क इधर है यानी एक कंस्ट्रिक्शन पे दो प्रोटीन की डिस्क है इन्हें बोलते हैं काइनेटोकोर तो यहां पर है काइनेटोकोर बॉडीज काइनेटोकोर्स क्या है बेसिकली प्रोटीन डिस्क ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर यानी दो हैं दोनों तरफ भविष्य में जो स्पिंडल आएगा वो यही जुड़ता है अभी 2022 में ही ये क्वेश्चन आया, आज सॉल्व करवाऊंगी यानी इसी पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट जो होता है वो काइनेटोकोर पर ही होता है और प्रोटीन की डिस्क होती है ठीक है अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी स्टूडेंट्स बहुत सारे पीवाई क्यूज भी करवाऊंगी डोंट वरी नाउ ये तो सब में मिलेगा इसके एंड को टीलोमियर कहते हैं टीलो का मतलब ही होता है दूर टेलीस्कोप टेलीफोन दूर बात करनी है दूर का देखना है टेलीविजन ये चिपचिपा नहीं है नॉन स्टिकी एंड है इसी के कारण क्रोमोसोम्स आपस में चिपकते नहीं है वरना सब क्रोमोसोम्स फिर से चिपक जाते हैं। ये तो सब में मिलेगा अब कुछ क्रोमोसोम्स में एक और गड्ढा मिलता है एक और गड्ढे के कारण एक ऐसा गोल हिस्सा आ जाता है इस गड्ढे को बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्योंकि एक तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है तो ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और इसके कारण ये जो छोटा सा टुकड़ा बन गया है इसे बोलते हैं सैटेलाइट सैटेलाइट दिस इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट छोटा सा टुकड़ा अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनेगा तो ही ये बनेगा वरना ये नहीं बनेगा ठीक है ये स्टेन नहीं होते हैं नॉन स्टेनिंग है नॉन स्टेनिंग वैसे तो सब स्टेन हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक डाई से स्टेन होता है क्रोमैटिन क्रोमोजोम पर ये स्टेन नहीं होता है अब ये कहाँ मिलते हैं ये सारे क्रोमोजोम्स में नहीं मिलते हैं ये मिलते हैं हमारे अंदर क्रोमोजोम नंबर कौन से क्रोमोजोम्स पे मिलते हैं ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछते हैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे चलो मेरा नहीं तेरा तेरह चौदाह पंद्रह उन्नीस इक्कीस और बाईस पे और वाई क्रोमोजोम पर पर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी एनसीआरटी में भी नहीं दिया है ये जो क्रोमो ये अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट बन रहा है तो ऐसे क्रोमोजोम को सैटेलाइट यानी सैट क्रोमोजोम कहते हैं यानी क्रोमोजोम नंबर लिख लेते हैं एक बार तेरह चौदाह पंद्रह इक्कीस बाईस और वाई क्रोमोजोम मेल्स में फीमेल में तो होगा ही नहीं इनमें इन्हें सैट क्रोमोसोम्स कहेंगे बाकी सब में ये यही बंद हो जाएगा इनमें ये एक्स्ट्रा होगा तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस बाईस और बाई क्रोमोजोम ठीक है अब पता है ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है इसे एनओआर आर बोलते हैं बड़ी मजेदार चीज सिखा रही हूं आपको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन अब समझो अभी अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस भी किससे बना है क्रोमैटिन से ही बना है तो जब 46 सिक्स बन रहे हैं तो न्यूक्लियोलस वाला जो क्रोमैटिन है वो इस जगह पर चला जाता है और जब उनसे वापस न्यूक्लियोलस बनेगा सेल डिवीजन के एंड में तो यहीं से फिर से न्यूक्लियोलस बन जाएगा तो इन्हें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन सेकेंडरी कहते हैं इससे ज्यादा डिटेल आने की कोई भी जरूरत नहीं है तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सब में मिलेगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है देखो एनसीआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखो समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोजोम्स अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन जिसके कारण एक स्मॉल फ्रैगमेंट बन जाएगा जिसे सैटेलाइट कहेंगे सो so ये देखिए एनसीआरटी का डायग्राम यहां पर ये दो काइनेटोकोर बनी हुई है ये एक क्रोमोजोम है, अब ध्यान से सुनो मैंने इसे ऐसा बनाया है ना एक डीएनए का धागा एक डीएनए का धागा मैं इसी को ऐसा भी बना सकती हूं एक डीएनए का धागा एक डीएनए का धागा प्रोफेज में ऐसा दिखता है मेटाफेज में ऐसा आ जाता है डीएनए डबल हो चुका है अभी इसे क्रोमोजोम बोलते हैं अब इसे टू सिस्टर क्योंकि दोनों में कार्बन कॉपी डीएनए टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोजोम बोलते हैं आया समझ में ठीक है इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीबडी राइट सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर में जमीन आसमान का अंतर है सेंट्रोमियर क्रोमोजोम का कंस्ट्रक्शन है सेंट्रियोल तो अलग नाइन प्लस जीरो माइक्रो टिब्यूल का स्ट्रक्चर है चलो ये अच्छे से समझ लेना ये दोनों बहने कहलाएंगी सिस्टर क्यों बहन क्यों कहला रही है क्योंकि इसका डीएनए कार्बन कॉपी है ये भी एक क्रोमोजोम है ये भी एक क्रोमोजोम है ठीक है चलो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज आपको सिखानी है मुझे ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन जरूरी नहीं है सेंटर में हो लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूं बस इसके बाद फटाफट पड़ से क्वेश्चंस करेंगे अपन पीवाई की उस करेंगे सीधे इसकी पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम्स चार तरह के होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स बिल्कुल भी बोर मत हो ये, भागो मत यहां से क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट हर साल आता है पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर जरूरी नहीं है कि नाम सेंट्रो है तो सेंटर में ही होगा ये चार तरह के पहला अगर सेंटर में है ऐसा बिल्कुल सेंटर में है सेंट्रोमियर एट सेंटर या इन मिडिल यानी दो आर्म्स बनेंगे पी और क्यू कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं पी इज इक्वल टू क्यू दोनों बराबर बिल्कुल सेंटर में है ऐसे क्रोमोजोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्रोमोजोम कहते हैं पर अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा साइड में खिसक गया स्लाइट अवे फ्रॉम सेंटर मिडिल से थोड़ा सा साइड में खिसका तो क्या होगा एक थोड़ा छोटा हो जाएगा और एक थोड़ा लंबा छोटे वाले को पी बोलते हैं शॉर्ट आर्म और लंबे वाले को क्यू बोलते हैं लॉन्ग आर्म पी का मतलब ही होता है पेटाइट पेटाइट मतलब छोटा यहां पे पी छोटा है और क्यू बड़ा हो गया मेटा नहीं है थोड़ा खिसक गया सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोजोम स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर पर अगर ये बहुत दूर चला गया यानी ये छोटा और ये बहुत लंबा हो गया दूर एक्रोसेंट्रिक क्रोसेंट्रिक्रोमोजोम ये तो एंड के पास आ गया है नियर टू एंड नियर टू एंड चला गया यानी पी बहुत छोटा हो गया क्यू बहुत लंबा हो गया एनसीआरटी लिखते शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म ये हो गया वेरी शॉर्ट क्यू पी सॉरी और ये हो गया वेरी लॉन्ग कितना आसान तो है देखो पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पपलू इजी क्वेश्चन हैं और अगर ये बिल्कुल ही एंड पे चला गया ऐसा आई का तो नामो निशानी नहीं है पी का तो नामो निशानी नहीं है टर्मिनल एंड पर आ गया टर्मिनल सेंट्रोमियर टर्मिनल दूर बिल्कुल दूर तो इसे टीलो सेंट्रिक बोलते हैं हमारे 46 क्रोमोसोम्स में से कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे पर एक भी ऐसा नहीं होता है या तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कैसे भी पूछ लेते हैं 2018 में आया था शॉर्ट और लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं पी क्यू में कहीं नहीं दिया पर क्वेश्चन आया था अब इनका शेप देखो इसका शेप ऐसा आएगा यानी वी या के जैसा दोनों बराबर आर्म्स हैं सो दिस इज वी या के शेप्ड क्रोमोजोम है जबकि ये कैसा है देखो एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा लंबा इंग्लिश का एल शेप्ड ये देखो एक बहुत छोटा एक बहुत लंबा जैसे जे बना रहे हैं जे शेप्ड और ये तो आइसक्रीम जैसा लग रहा है आई शेप्ड ये सब हमें आना चाहिए सैटेलाइट होगा तो वो अलग लग जाएगा वेरी क्लियर वेरी क्लियर ठीक है यहां पर आकर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मैंने एक एक वर्ड एक एक लाइन एनसीआरटी की समझाई एक एक डायग्राम आपको बताया है स्टूडेंट्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तीन से चार क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अगर हमें आता है तो हमारा गलत नहीं होगा इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चलो आ जाओ फटाफट से अब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं चलिए आइए ये एनसीआरटी का डायग्राम अब देखना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑल राइट right. करो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स इसको आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड डन देखो अभी 2019 का क्वेश्चन है नाउ 2019 ओमने नाइनटीन ओम ने ई सेल्यूलर कि दिया था रोडोल वर्चो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन थैंक यू अर्शिता थैंक यू माई डियर अगेन टू थाउजेंड एटीन

ऑसेलिटोरिया भी ब्लू ग्रीन आलगी है माइको बैक्टीरियम ये तो बैक्टीरिया है ही लेकिन सैक्रोमाइसिसरी यीस्ट होता है और यीस्ट फंजाई है और फंजाई यू कैरी में आते हैं यानी ये आंसर हो जाएगा डन चलिए नाउ 2017 हजार विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट स्टिकी कैरेक्टर अभी आपको बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइमी लेयर हो सकती है चिपचिपी या टफ कैप्स्यूल हो सकता है नाउ नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है देखो मैच द कॉलम सबसे पहले क्रिस्टी कहां मिलेंगे क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इन फोल्डिंग देखो कितने लकी हैं अपन ये आ गया आंसर एक झटके में आओ चेक करते हैं थायलाकोइड्स फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोजोम और सिस्टरनी डिस्क शेप के गोल्जी पैरिटस या गोल्जी बॉडी में मिलेगा पर टेक्निक देखो एक बार में आंसर आ गया नाउ 2021, हजार इक्कीस विच इज इन करेक्ट यानी फॉल्स मेच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है यही आंसर हो गया बाकी माइक्रो बॉडीज प्लांट एनिमल दोनों में है पेरी न्यूक्लियर स्पेस एक मेम्ब्रेन बैरियर बना रही है और न्यूक्लियर पोर के थ्रू प्रोटीन आर एन ए बोथ डायरेक्शन में जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम से न्यूक्लियस के अंदर ठीक है आंसर अगली बार हटा दूंगी चलो नाउ 2021 ऑर्गेनेल्स जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आता है ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीआरटी की लाइन पे क्वेश्चन आया है चलिए नेक्स्ट 2021 में दो इक्वल आर्म्स हैं मिडिल में सिचुएटेड है मेटासेंट्रिक देखो 2021 का क्वेश्चन दिखा रही हूं डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं माय डियर चलिए नाउ 2020 फोटो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में इंक्लूजन बॉडी क्या है इन सब में हवा भरी हुई है गैस वैक्यूल्स मिलते हैं आज ही तो पढ़ाया है सब। Now, 2020 में आर आर एन ए कहां बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है आर आर एन ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में स्मूथ ईआर में लिपिड बनेगा स्मूथ ईआर ER में लिपिड बनेगा ये लो खटा क्वेश्चन खत्म चेक कर लो आर में प्रोटीन बनेगा गोलजी बॉडी में ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको प्रोटीन बनेंगे और सेंट्रियोल स्पिंडल बनाएगा पर आप टेक्निक देखो ऐसे ही मैच द कॉलम सॉल्व करने हैं पूरा पूरी मैचिंग से नहीं 2020 मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कौन सा एलिमेंट चाहिए मैग्नीशियम वो उसकी दोनों सब यूनिट्स को जोड़ता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं देखो देखो जी कितना आसान है ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है स्टूडेंट्स तभी तो आपको बोल रही हूं इसको छोड़ना नहीं है इसको हल्के में मत लो ये लगता ईजी है पर यह स्कोरिंग है गड़बड़ हुई तो बड़ा दुख होता है इसमें 2019 में गोल्जी एपैरेटस क्या करेगा ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाएगा तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं अब भी देखते हैं लाइजोजोम क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा बायोमॉलिक्यूल्स को ये लो आंसर आ गया वैक्यूल में वेस्ट इकट्ठा करेंगे राइबोजोम प्रोटीन बनाएगा दो ऑप्शन देख के दो मैचिंग करके हमारा आंसर आ गया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दो में हाइएस्ट नंबर इन सिक्रिटरी सेल सिक्रीशन तो रोल ही गोल्जी बॉडी का पड़ा है गैस वी एल सी सी एस मतलब सिक्रीशन सो गॉल्जी बॉडी नाउ नेक्स्ट दो हजार उन्नीस न्यूक्लियस के अंदर साइट ऑफ अच्छा न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है अच्छा ये देखो न्यूक्लियोलस नहीं लिखा नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी इनडायरेक्टली न्यूक्लियोलस पूछ रहे हैं और इसमें आर आर एन ए बनता है ये राइबोसोम फैक्ट्री आर आर एन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार उन्नीस नॉट कंटेन डी एन ए क्लोरोप्लास में मिलता है वैक्यूल में नहीं मिलता लाइजोजोम में नहीं मिलता वैक्योल में नहीं मिलता न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर तो मिलेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा लाइजोजोम में नहीं मिलेगा यानी एक ही चॉइस है जहां दोनों में नहीं मिल रहा लाइजोजोम एंड वैक्योल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 नॉट करेक्ट यानी फॉल्स पूछा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे काम करते हैं ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन होता है पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी डन एवरीबडी क्लियर है चलो नेक्स्ट शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स सब मेटाट्रिक के शॉर्टर एंड लॉन्गर पी एंड क्यू मैं 2018 बोल गई थी 2019 देखो नाउ 2019 में इनकरेक्ट बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ईटीएस के एंजाइम्स इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं ना कि आउटर पर ये लो आंसर आ गया इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स है मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए राइबोसोम है और आउटर मेम्ब्रेन मोर परमीएबल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी नाउ 2018 हजार कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है पैकेजिंग प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन डायरेक्ट से क्वेश्चन आ गया नाउ नेक्स्ट दो ट्रू बताना है न्यूक्लियोलस के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रियोल का काम है ये नॉन मेम्ब्रेन है बड़े बड़े डिवाइडिंग सेल में नहीं प्रोटीन बनाने वालों में मिलेंगे हाँ आर आर एन ए यहां पे बनेगा कितना आसान है देखो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर्स बिल्कुल वीक नहीं रखने हैं नाउ ये मैं नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी निसल ग्रैन्यूल जो हैं ये न्यूरॉन में मिलते हैं ये आर आर एन ए सॉरी राइबोसोम और आर ए आर का टुकड़े होते हैं ठीक है थीके? ये उसकी बॉडी में मिलते हैं और डेंड्राइड में मिलते हैं ये हम पढ़ेंगे नाउ कर इन आर नॉट अकर ये वो क्वेश्चन लिपिड का सिंथेसिस नहीं होगा प्रोटीन की फोल्डिंग होगी प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन भी हो सकता है हालांकि वो मेन काम कार्बोहाइड्रेट जोड़ने का गोलजी का है पर लिपिड तो पक्का आर आर में नहीं बनेगा दो हजार अट्ठारह का क्वेश्चन है नाउ टू थाउजेंड एटीन बहुत सारे राइबोजोम एक एमआरएन ए पर है इसे बोलते हैं पॉलीजोम जो केवल प्रो कैरियो में मिलता है नाउ टू थाउजेंड सेवेंटीन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेके एटीपी कौन बनाता है एटीपी सिंथेसिस पावर हाउस माइटोकॉन नाउ 2022 ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया लास्ट टॉपिक में से मेटा मतलब दोनों स, बिल्कुल सेंटर में है ये वाला ये लो एक झटके में आंसर आ गया कितना बड़ा लग रहा था अपने को देखो एक्रो मतलब एंड के पास है ये सब मेटा मतलब सेंटर के पास है और टीलो मतलब बिल्कुल एंड पर है पर एक बार में आंसर आ गया ठीक है चलिए मोलिकुलर बेसिस का सेशन मैं बारे में क्या गलत है में नहीं होंगे? में ना आर ए ना एसीआर ई आर होगा ही नहीं बाकी यहां लिपिड बनता है और यहां पे राइबोसोम्स अटैच्ड है 2022 के दो क्वेश्चन हो गए चलो 2022, हजार सो दो से तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन तक यहाँ से आए हुए हैं सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कंप्लीट टू रेस क्लास आई होप आपको मजे आए हैं मैं आपको फिर एक ही बात बोलूँगी जो मैंने पहले भी कही है कि ना पास्ट का रिग्रेट करो कि समय वेस्ट हो गया ना फ्यूचर की टेंशन करो एक सीरीज फॉलो करो एक टीचर को फॉलो करो उनको पूरा फॉलो करो और बैठ के पढ़ो दस जगह डिस्ट्रैक्ट मत हो हम सब आपके साथ में हैं फोर्टी डेज अराउंड बचे हैं बहुत है अगर आप प्रॉपरली आप पढ़ेंगे वो जादू आप में है आपको पढ़ना है बैठना है प्लानर बनाना है पढ़ना है दस जगह भगना नहीं है इधर उधर बैठ के पढ़ना है लर्न करना है कंटेंट आपको मोर देन इनफ मिल रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा दस जगह के मटेरियल जुगाड़ने की जरूरत नहीं है जो आपको दिया जा रहा है बस उसे पक्का कर लीजिए ऑल माई लवली स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिविजन टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर